रिकॉर्डिंग का साइन शो हो रहा है आप लोगों के पास? ओके ठीक है। अच्छा ये फर्स्ट जो है आप लोगों का सेल्फ रियलाइजेशन, ये आज हम इसको स्टार्ट करेंगे और इस पे तकरीबन मेरा जहाँ तक ख्याल है 6 से 7 लेक्चर, दैट मीन हम इसको आज 2 लेक्चर्स आज हैं हमारे पास और इसी वीक में 5th and 6th and 7th and 8th लेक्चर्स तक हम इसको इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर फर्दर हम जिस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे वो सेकेंड जो है सेकेंड मॉड्यूल वाई इस्लामिक स्टडी 3 डिफरेंट अप्रोचेज टू नॉलेज। तो जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसको जब हम कवर कर लेंगे उसके एंड पे जो चीज़ हम छोड़ देंगे वो एजुकेशन और नॉलेज है, तो उसी की बेस पर सेकंड मॉड्यूल जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे वाई इस्लामिक स्टडी या वाई इस्लाम, इस्लाम की जो अप्रोचेज हैं, इस्लाम की जो जिस सोर्सेज देता है नॉलेज की वो क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं। तो उसमें 3 मेन जो अप्रोचेज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, साइंस, फिलोसफी एंड इस्लाम, तो या रिवोल्यूशन, इन तीनों को डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसका आप लोगों को आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह। इसको मैं लिंक भी कर दूंगा आप लोगों के साथ। और थर्ड मॉड्यूल जो होगा आप लोगों का रिवील्ड रिलीजन इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन तीनों का एक पहले हम एक इस्लाम का इंट्रोडक्शन देंगे, उसमें जुडाइज्म को भी इंट्रोड्यूस कराएंगे इंशाल्लाह, यहूदियत को भी इंट्रोड्यूस कराएंगे, इस्लाम को भी, इस्लाम के साथ जो ईसाइत को, क्रिश्चियनिटी को भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं आपको, और फिर डिफरेंसेस क्या हैं और कहाँ से ये चेंज हुए, यानी स्टार्ट में ये एक ही थे तो बाद में चेंज क्या आया, तो उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो रिवील्ड रिलीजन्स हैं उसमें जो डिफरेंट काइंड ऑफ गाइडेंस, ये मॉड्यूल नंबर 4 है कि हमें अल्लाह पाक ने हिदायत दी है, हमें अल्लाह पाक रहनुमाई करते हैं, हमें गाइड करते हैं और कहीं पकड़ के गाइड करते हैं, कहीं हमें इंफॉर्मेशन के थ्रू गाइड करते हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ गाइडेंस जो हमें प्रोवाइड किए हैं वो 4 लेवल्स की हैं, उसको इंशाल्लाह मॉड्यूल नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम मॉड्यूल नंबर 5 के अंदर सोर्सेज ऑफ नॉलेज इन इस्लाम, तो सोर्सेज ऑफ नॉलेज इन इस्लाम बेसिकली प्राइमरी सोर्सेज भी हैं और सेकेंडरी सोर्सेज भी हैं। प्राइमरी सोर्सेज में कुरान एंड सुन्ना और सेकेंडरी सोर्सेज में जो है इजमा एंड क्यास, तो इनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मॉड्यूल जो है ये 5th की ही आगे 5.1, 5.2, 5.3 ये आपके पास होगा कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज इन इस्लाम, फर्स्ट कुरान, सेकेंड सुन्ना, थर्ड जो है 3 and 4 जो है सोर्स ऑफ नॉलेज इजमा, क्यास एंड इस्लामिक स्कॉलरी ट्रेडिशन पे हम डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे इसी के एंड पे कि ये जो इख्तलाफात हैं आपस में, जितने लोग ये आपस में इख्तलाफ करते हैं या आपको अभी नज़र आता है कि एक कहता है इसको फॉलो करो, एस कहता है इसको फॉलो करो, तो एक आम आदमी के माइंड में ये बात आती है कि भाई हम एक इस्लाम है तो किस किस को फॉलो करें, तो कौन सही है, कौन हक पे है, कौन गलत है। तो आप लोगों के इसके अंदर मैं इतना डिस्कस कर लूँगा कि आप लोगों के पास एक ऐसा क्राइटेरिया हो, एक ऐसी कसौटी हो, एक ऐसे स्टैंडर्ड्स हो जिनकी बेस पर आप डिफाइन कर सकें कि क्या गलत है और क्या सही है, जिसकी बेस पर आप खुद उसको एनालाइज कर सकें सही और गलत और उसको पहचान सकें आप लोग। तो इसके अंदर आगे 5th मॉड्यूल के एंड पे थोड़ी डिटेल डिस्कशन होगी हमारी स्कॉलरी ट्रेडिशन पे, जिसकी बेस पर आजकल इख्तलाफात बहुत सारे हो रहे होते हैं। और 6th जो है फीलिंग, फेथ एंड एक्शन, ये हमारे बेसिकली पूरी लाइफ है, उस लाइफ को हम कवर करेंगे। ये बेसिकली आप लोगों के इस्लाम में जितने भी एंगल्स हैं, यानी इस्लाम जितने भी एंगल्स को लाइफ में कवर करता है वो 3 ही हैं। एक आप लोगों का माइंड है, तो उसके अंदर थॉट्स हैं और थॉट्स का जो क्रस्ट है वो बेसिकली आपके बिलीव्स हैं। और सेकंड जो है आप लोगों का फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स आपके हर्ट में, आपके दिल में पैदा होती हैं और फीलिंग्स के अंदर क्या गलत है क्या सही है ये सेकंड लेवल। थर्ड जो है आपकी माइंड बिलीव्स और थॉट्स, और सेकंड आपकी इमोशंस की बेस पर जो आपके एक्शन रिएक्शन होते हैं, तो इन एक्शन रिएक्शंस एक्टिविटीज, इन तीनों एंगल्स को इंशाल्लाह हम इसमें कवर करेंगे। और इसे इसमें हदीस जिब्रेल की बेस पर हम इन तीनों एंगल्स को तफसील से डिटेल में जाके इंशाल्लाह कवर करेंगे। अच्छा ये 6 है और किसी 6 के अंदर फिर 6 मॉड्यूल के बाद फिर इसके आगे 6.1, 2, 3, 4, 5 जो है उसके अंदर फिर हम आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को भी कवर करेंगे, यानी इमोशंस के अंदर कौन कौन से इमोशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और आपकी फेथ के अंदर जो 6 पिलर्स हैं वो क्या हैं उसको भी हम डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे, और आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ की 5 ब्रांचेस हैं, आपका फेथ सिस्टम है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, आपका इकोनॉमिक सिस्टम है, आपका सोशल सिस्टम है, आपका जुडिशियल सिस्टम है, इन 5 सिस्टम्स को, इन 5 जो एक निज़ाम है, सिस्टम्स हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इस वक्त दुनिया में प्रॉब्लम्स क्यों पैदा हो रहे हैं उसके पीछे रीजंस क्या हैं उसको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली है तो कोर्स
डिटेल में मैंने डिजाइन किया हुआ है। अगर क्लास में हो तो बहुत सारी चीजें अच्छी तरह कवर हो जाती हैं, लेकिन हम ऑनलाइन कवर कर रहे हैं। आप लोग साथ देंगे तो मैं, आप लोग बिलीव करें कि आप लोगों को ये कोर्स आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत हेल्प देगा। और इसमें जो आप लोगों की अंदर जो चीज़ डेवलप होगी, वो सबसे पहले ये चीज़ डेवलप होगी इस कोर्स की बेस पर, जो मैं फेजेस, जिन फेजेस से आप इस कोर्स में आप गुजरेंगे, उसमें फर्स्ट जो फेज होगा जिससे आप लोग आगे जाके आप लोगों को आवाज आ रही? ओके, यस सर। ओके, यस सर। इसमें जो आप लोगों की पर्सनल लाइफ में जो चेंज आएगा, सबसे पहला यानी मॉड्यूल नंबर वन को पढ़ने के बाद जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में चेंज आएगा, सबसे पहला कि आप लाइफ को समझने की आप समझ सकेंगे कि लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, उन चेंजेस की बेसिक रीजन क्या है, वो चेंजेस क्यों आती हैं, तो उसको इंशाल्लाह आप लोग इसके थ्रू समझ सकेंगे। सेकेंड जो है चेंजेस के बाद, फिर उन चेंजेस में अमेंडमेंट करना कि आप अपनी चेंजेस में कैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो सेकेंड पे जाके हम इंशाल्लाह उसी को डिस्कस करेंगे और उसकी बेस पर आप अपनी लाइफ के अंदर जो चेंजेस हैं उसके अंदर अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं, आप डिसीजन कैसे ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इंशाल्लाह मैं उसमें कवर करेंगे। थर्ड में जो आप जाएंगे उसमें अंदर आपको ये होगा कि क्या सही है क्या गलत है, उसकी पहचान कैसे होगी, ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह कवर कर दूंगा। और लास्ट में जो होगा जिसकी बेस पर आप लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ में क्या गलत है क्या सही है, उसकी बेस पर आप डिसीजन लेके प्रैक्टिकल लाइफ में जो चेंज करेंगे, उसमें जो चैलेंजेस होंगे उसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये तो हल्का सा इंट्रोडक्शन था, बाकी चीज़ें मैं एक एक करके बाद में हर मॉड्यूल से पहले इंट्रोड्यूस कराता भी रहूँगा। अच्छा, सेकेंड ये है कि आप लोगों के असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या होगा, क्या ग्रेडिंग का क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे मैं ग्रेडिंग करूँगा। तो जो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से पॉलिसी मिली है, आप लोग उससे अवेयर भी होंगे, और अभी आप लोगों ने अगर सेमेस्टर पढ़ा है पिछला, तो आप लोगों को आइडिया भी होगा कि 15% जो है आप लोगों के क्विजेस होंगे, या 15-20% तक मैं ले जाऊंगा, 15-20% आप लोगों के क्विजेस होंगे, और असाइनमेंट जो होगी आपकी वो 20% होगी। तो अगर हम क्विजेस जो है 20% के रखें, 20% की आपकी असाइनमेंट रखें, तो ये 40% हो गया। आपका जो फाइनल होगा वो 60% होगा। तो फाइनल जो है वो कंप्राइज्ड होगा तीन बेसिक चीज़ों से, थ्री मैन जो कंपोनेंट हैं। फर्स्ट फाइनल 60% का है, 60% फाइनल जो है उसमें 30% आपका प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट के टाइटल में आप लोगों से डिस्कशन करके असाइन कर दूंगा। और सेकंड जो है आप लोगों का 30% हो गया आप लोगों का प्रोजेक्ट, और आप लोगों का 20% होगा आप लोगों का फाइनल एग्जाम, जो मैं ऑनलाइन दूंगा गूगल फॉर्म के थ्रू या LMS के थ्रू, जो भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। और 30, 20, 50 और 10% जो आप लोगों का होगा वो वाइवा होगा, जो भी आप लोगों ने प्रोजेक्ट सबमिट कराया होगा उसका आप लोगों का वाइवा, वो ग्रुप के थ्रू करूंगा, फिर मैं ग्रुपिंग कर दूंगा, आप लोगों के ग्रुप्स बना दूंगा, 2-3 or 3 or 4 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स होंगे, ग्रुप एक ग्रुप मेंबर्स होंगे 3 or 4 होंगे, तो उनका एक टॉपिक असाइन कर दूंगा जिसपे वो प्रोजेक्ट करेंगे, और प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस भी करा दूंगा, सारी चीज़ें मैं डिटेल में बता दूंगा। और उसके बाद जो है उसी का जो है आप लोगों का 10% वेटिंग वाइवा भी, तो मैं फिर बता देता हूँ, 20% आपकी क्विजेज और 20% आपकी असाइनमेंट, असाइनमेंट की डिटेल सारी मैं बता दूंगा, ये मॉड्यूल वन कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को असाइनमेंट असाइन कर दूंगा। और 20% 40-60% आपका फाइनल है, और फाइनल जो है कंप्राइज है थ्री कंपोनेंट से, फर्स्ट वन जो है आप लोगों का प्रोजेक्ट 30% का, 10% का आपका वाइवा 40, और प्लस 20% जो है आप लोगों का फाइनल एग्जाम होगा। तो ये बेसिकली आप लोगों का टोटल इस्लामिक स्टडी का जो है आपके ग्रेडिंग का जो है क्राइटेरिया मैं आप लोगों से डिस्कस कर दिया। इसमें कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ सकते हैं, बाकी एक बार क्विजेज क्या होंगे, और फर्स्ट मॉड्यूल जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों से, तो मैं क्विजेज जो प्रॉपर स्टार्ट करूंगा अभी उसको मैं अनाउंस अभी नहीं कर रहा, क्योंकि क्विज के लिए मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, ये नहीं होगा कि सरप्राइज क्विज होंगे, वैसे मैं लेता रहता हूँ सरप्राइज क्विजेज, लेकिन ये क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम दूंगा और अनाउंस करूंगा, अनाउंस करने के बाद फिर आप लोगों को गूगल फॉर्म शेयर करूंगा, उस पर आप लोगों ने क्विज करने होंगे, मैं ऑनलाइन अवेलेबल होऊंगा, आपसे डिस्कशन करूंगा, और लेक्चर्स पे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे मैं डाल भी दूंगा, आप लोग वहां से उसको सुन के आप क्विज की तैयारी भी कर सकेंगे। तो सारे क्विजेज जो होंगे वो अनाउंस्ड होंगे
कोई भी सरप्राइज क्विज नहीं लूंगा आप लोगों का, तो इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं होगी। हाँ, जो बच्चे नहीं पढ़ते या उन्होंने लेक्चर्स वगैरह नहीं सुने होंगे तो उनको थोड़ी बहुत टेंशन होगी, क्योंकि क्विजेज जो हैं वो उसमें क्वेश्चन जो है से होते हैं, उसने ना पढ़ा हो तो वो गलत ही फील करेगा। अब इससे रेलिवेंट कोई कोर्स के मटेरियल से इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, ऐसा है कि कोर्स मटेरियल सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को LMS पे अपलोड कर दूंगा। अभी तो मैंने ईमेल भी कर दी थी क्योंकि LMS पे आप लोग इनरोल नहीं थे, अब मैंने आप लोगों को LMS पे इनरोल कर दिया है। अब मैं ईमेल भी कर सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं LMS पे ही सारी अनाउंसमेंट करूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप जो है हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करेंगे, कोई चीज़ फौरी तौर पे जो आप लोगों को कम्युनिकेट करनी है तो व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा। LMS पे मैं सारी अनाउंसमेंट जो है LMS पे करता हूँ। अब कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं, हम फिर फर्दर अपना जो मॉड्यूल है उसको इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। सर जी, सर वो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सर मैंने ना चैप्टर 1 और 2 नहीं किया सामित का, मेरे जो पोर्टल में शो हो रहा था सर मुजम्मिल शो हो रहा था, अब आपका नाम शो हो रहा है, तो आपने 3 और 4 स्टार्ट करवा दिया, 1 और 2 करूं? अच्छा, 1 और 2 जो है ना वो सर मुजम्मिल ने मुझे कहा था, क्योंकि असल में UMT ने ना सोर्स रिसोर्स पर्सन को चेंज किया है, पहले सर मुजम्मिल पढ़ा रहे थे, तो अब जो उन्होंने जो भी डिस्कशन की मैं उसको इंक्लूड ही नहीं करूंगा, तो आप ये समझे कि आपका फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑनवर्ड आपके लेक्चर्स होंगे और इसी की बेस पर मैं जो है क्विज असाइनमेंट वगैरह ओके थैंक यू तक तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें क्या डिस्कस हुआ तो वो उसको मैंने वो कर दिया है, निकाल दिया उसको। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये आप लोगों के सामने एक फाइल शो हो रही है, इसका क्या प्रॉब्लम है? देखिए आप लोग तो 51 हैं, अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मेरी क्लासेस के अंदर ना आप लोग सीख सकेंगे ना आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं आपसे एक गुजारिश भी कर देता हूं, बल्कि एज ए टीचर मैं आप लोगों को ऑर्डर भी कर सकता हूं, लेकिन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को अपने बेटे बेटियों की तरह समझता हूं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्स्ट 8 लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, और अगर आप इस पर बिलीव नहीं करते, आप लोगों को यकीन नहीं आता, तो मैं आप लोगों को कुछ एक इक्का दुक्का चीज़ें जो हैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, तो फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, अच्छा सर ये चीज़ यूँ हो गई, आप लोगों को बिलीव यकीन आ जाएगा। जी, आप लोगों से सामने जो मैंने एक स्लाइड शो की थी, पासवर्ड लगा हुआ था, क्या प्रॉब्लम था? पासवर्ड होता। अच्छा, पासवर्ड के लिए क्या हम इस फाइल को खोल सकते हैं? नहीं सर। नो सर। तो सर, क्या करना पड़ेगा? मुझे तो पासवर्ड पता नहीं है, मैं कैसे पढ़ूंगा आप लोगों को? फाइल के ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ। फिर शायद ऊंचा बोले, मुझे आवाज नहीं आ रही सही। सर, इसमें हम कोई ऐसी कीबोर्ड यानी कि जो इसके रिलेट करती होगी वो टाइप करके देखेंगे कि वो लग रही है कि नहीं, यानी आपका कहना ये है कि हम कोई रैंडम की ट्राई करें जरा पहले, मे बी लग जाए, रैंडमली एक दफा ट्राई करें, शायद वो एंट्री वैसे ही हो जाए। एक दो दफा मुझे हुआ था, फाइल लॉक थी, मैं रैंडम की ट्राई की तो वो किसी भी की से लॉग इन हो जाता था, वरना आपको सर मुजम्मिल से क्या बात करनी पड़ेगी फिर। चलो खैर। अच्छा, अगर वो मुजम्मिल सर मुजम्मिल के पास भी उसकी की ना हो तो फिर क्या करेंगे? सर पासवर्ड करते हैं, पासवर्ड रीसेट। सर, आप हमारे साथ डबल प्ले कर रहे हैं इस टाइम, और आप हमसे पूछना चाह रहे हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन अगर आपको है और आपके पास उसकी की नहीं है, तो हाउ यू गोना एंटर, हाउ यू गोना नो कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन कैसे हो रही है? अभी आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। गुड गुड गुड। असल में ये है, देखें कि अगर आप लोगों के पास अपनी लाइफ का पासवर्ड ही नहीं है, तो अभी जो आपने एक सजेशन की कि सर जुगाड़ लगा लें, तो हम सारे के सारे अपनी लाइफ के साथ जुगाड़ लगाए जा रहे हैं। हमें सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, हमें पता नहीं है मेरी फाइल में है क्या, मेरी फाइल का पासवर्ड क्या है। वो पहली बात तो ये कि मैंने ये पता नहीं हमारी फाइल रखी हुई कहाँ पे। कभी आप में से किसी ने अपनी लाइफ पे क्वेश्चन मार्क लगाया कि मैं कौन हूँ? एक स्टूडेंट जिसने क्वेश्चन मार्क लगाया, अकेले बैठ के रिलैक्स अपने बारे में सोचा हो, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, क्या है मेरे गोल्स क्या है? जी सर, सोचा है बड़ी दफा। किसने सोचा है, नाम भी बता दें। सर सैयद उमर शाह। क्या सोचा था मुबशिर? सर
कुछ नहीं सर, हम तो कुछ भी नहीं है सर, मतलब लाइक वी आर नथिंग यार, जो है ना ये सेंटेंस जो है जान छुड़ाने के लिए बहुत इजी है, बहुत आसान है. वी आर नथिंग, वी कैन डू नथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं है, हम बहुत कुछ हैं. आप लोग इस मॉड्यूल के पढ़ने के बाद रियलाइज करेंगे कि आपसे कीमती और आपके पास जो कुछ है वो आपने कभी रियलाइज किया ही नहीं, आपको पता ही नहीं था. तो ये जो आप लोगों के सामने मैंने रखा है इसकी की मुझे पता है, और मुझे जो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हल्का सा करा देता हूँ. मैं जो टीचिंग फील्ड में आया था, तो टीचिंग फील्ड में बेसिकली तो मैं टीचर, मुझे 18 ईयर्स हो गए, 18 साल हो गए टीचिंग करते हुए. लेकिन आप लोगों की किस्मत में यूनिवर्सिटी में UMT में मुझे तकरीबन 2017 से मैं हूँ. इससे पहले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, साथ में कहीं इक्का दुक्का जगहों पर टीचिंग करता था, लेकिन मैं प्रॉपर यूनिवर्सिटी को जो ज्वाइन किया वो UMT को ज्वाइन किया. बाकी विजिटिंग पे पढ़ाता था. मैं असल में प्रोफेशनल हूँ, मैं तकाफल की इंडस्ट्री में एडवाइज़र हूँ, और इसी तरह जो है बैंकिंग सेक्टर में एज ए ट्रेनर मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी है. स्टैंडर्ड चार्टर्ड के लोगों को ट्रेनिंग दी है, इस तरह सुनहरी बैंक के लोगों को ट्रेनिंग दी है, बहुत सारे बैंक हैं उसमें ट्रेनिंग्स दी हैं, और तकाफल इंडस्ट्री के अंदर हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग्स दी हैं मैंने. तो मैं आप लोगों को इतनी बात बता दूं कि इस चीज़ का जैसे मुझे पासवर्ड पता है इस फाइल का, ये फाइल मैंने बनाई हुई, ये फाइल किसी और के पास नहीं है. या आप लोगों को फाइल मिलेगी तो मैं डिकोड करके दूंगा, इस पर कोड नहीं होगा. आप लोगों को अपनी लाइफ का कोड पता नहीं है. तो जब आपको अपनी लाइफ का कोड पता नहीं है तो आप अपनी लाइफ जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? अभी हम उन क्वेश्चंस पे जाते हैं. इस फाइल को मैंने खोल दिया आपके सामने, अब हम इस फाइल पे ही फर्दर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे. आज का जो हमारा एजेंडा है बेसिकली वो ये है, व्हाट इज चेंज, हमारी लाइफ में चेंज क्यों आता है. इस मॉड्यूल के अंदर जो सेल्फ रियलाइजेशन का मॉड्यूल है, इसके अंदर मैं 5 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा. फर्स्ट है चेंज एंड इट्स फिलॉसफी. चेंज होता क्या है, यानी जो हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं ये चेंजेस होते क्या हैं, आते कैसे हैं, ये चेंज होते क्या हैं, इसकी फिलॉसफी को बहुत डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा. सेकेंड जो इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे कि चेंज को, हाउ टू चेंज, कि चेंज को हम चेंज कैसे कर सकते, चेंज के अंदर अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं. और थर्ड जो है, व्हाट इज इन अवर कंट्रोल, क्या चीज हमारे कंट्रोल में है, जो चीज हमारे कंट्रोल में है तो उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, आप अगर लड़का हैं तो आप लड़की नहीं बन सकते, वो आर्टिफिशियली जो भी होगा वो जुगाड़ ही होगा, वो बन नहीं सकते. इसी तरह जो आपके लाइफ में फिक्स है उसको चेंज नहीं कर सकते. तो कौन सी चीजें हमारे कंट्रोल में. फोर्थ, कि जब आप चेंज करेंगे और प्रॉब्लम्स क्या आएंगे, यानी जब आप चेंज करने जाएंगे तो हर्डल और प्रॉब्लम्स क्या आएंगे. और फिफ्थ जो है, फोर की टू सक्सेस, फोर कीज हैं सक्सेस की, कामयाबी की, कि आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो वो फोर की को डिस्कस करूंगा. तो ये 5 जो हैं पॉइंट्स हैं जिनको हम इस मॉड्यूल 1 में डिस्कस करेंगे. इन 5 पॉइंट्स आप लोगों को खुद रियलाइज हो जाएगा कि हमारी लाइफ में जो भी हम सोचते रहे हैं, क्या गलत सोचते रहे हैं, सही सोचते रहे हैं, अच्छा सोचते रहे हैं, खुला सोचते रहे हैं, आप लोगों को रियलाइज हो जाएगा. तो आज के हमारे लेक्चर का जो एजेंडा पॉइंट है वो है चेंज. अच्छा, एक सेंटेंस आपके सामने मैं रख रहा हूँ. द ट्रुथ इज यू विल नेवर विन इन लाइफ बाई बींग समवन यू आर नॉट. कि अगर आप जिंदगी में जीतना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो आप अपनी जिंदगी जीकर सक्सेस हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, किसी दूसरे की जिंदगी में अपने आप को फिट करके कामयाब और सक्सेस और विन नहीं कर सकते. आज हमारा जो हाल है, हम हर एक बंदा अपने आप को दूसरे की लाइफ में फिट करके जीना चाहता है. वो समझता है कि उसके मसलन आपके अपने पेरेंट्स को भी देख लें. ये जो सेंटेंस है ये बेसिकली मेरी पूरी प्रेजेंटेशन का, जो 70 पेजेस की प्रेजेंटेशन है, 70 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन है, उसकी समरी है. यू विल नेवर बी इन लाइफ बाय बीइंग समवन यू आर नॉट. जो आप हैं नहीं है वो बनने की आप कोशिश करेंगे, आप कभी कामयाब नहीं होंगे. तो आप जो हैं वो बनने की कोशिश करें. आप सर, आपकी आवाज कट रही है बहुत. ओके, आप लोगों के नेट का प्रॉब्लम होगा शायद. मैं इसलिए UMT में आ गया था कि मैंने कहा यहाँ नेट का प्रॉब्लम आमतौर पर नहीं होता. आवाज़ बता दिया. अच्छा, अब यहाँ पे
इस पूरी जो स्लाइड्स हैं जो आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा, इन स्लाइड्स में यही एंड रिजल्ट आपके सामने आएगा कि हमारी सारी की सारी एफर्ट्स ये हो रही होती हैं कि वो दूसरा सीएसएस करके कामयाब हो गया, वो दूसरा जो है वो मतलब पेरेंट्स कहते हैं बेटा तुम डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बड़े कामयाब है, तो वो डॉक्टर के पैरामीटर्स में, डॉक्टर के जो है सांचे में फिट करके आपको देखते हैं, यार डॉक्टर कामयाब है तुम भी कामयाब, यानी आपने इंजीनियर बनना है और आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपकी अंदर जो स्किल्स हैं फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स की हैं, आपके अंदर स्किल्स जो हैं वो टेक्निकल टाइप की हैं, आप डॉक्टर नहीं बन सकते। तो अब जब तक आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगी तो आप वो नहीं बन पाएंगे जो आप बनना चाहते। आज हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरों को कॉपी कर रहे हैं और उसी की बेस पर हम लाइफ पूरी डिजाइन कर रहे हैं। तो अब ये तो एक समरी है जो पूरे लेक्चर्स की है, इसको हम आगे फर्दर वाया पिक्चर्स डिस्कस करूंगा मैं, यानी आप लोगों की लाइफ की जो पिक्चर्स हैं जो स्टार्ट से लेकर अब तक आई हैं। आज का जो हमारा एजेंडा पॉइंट है वो बेसिकली चेंज पे है, इसको आप हुएमआई भी कह सकते हैं, लेक्चर को आप कोई टाइटल और भी दे सकते हैं, जो भी आप चाहे। ये कुछ क्वेश्चन है आस्क योरसेल्फ, ये कुछ क्वेश्चन जो है इन क्वेश्चंस के आप में से कोई भी आंसर देना चाहे तो दे सकते हैं। आर यू लिविंग योर ओन लाइफ एज पर योर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में जिंदगी जी रहे हैं? आप में से कोई है ऐसा जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जिंदगी जी रहा, अपनी मर्जी से जी रहा, कोई इंटरफेयर ना कर रहा उसकी लाइफ, कोई उसकी लाइफ को लीड ना कर रहा हो, बहुत अपनी लाइफ को लीड कर रहा हो? सर अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक सो के ऐसा कोई भी नहीं होता जिसको कोई लीड ना कर रहा हो। लाइक अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनको पेरेंट्स कर रहे होते हैं मोस्टली, क्योंकि और जो अगर टीचर्स वगैरह हैं और सारा कुछ वो मतलब एक पेरेंट्स के थ्रू वो जो वो कहेंगे वही करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं होता जिस जो खुद से कर ले सब कुछ। आपके दिल में आप हैं इसी तरह और स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं उनके दिल में ये चाहत आती है क्या, उनके दिल में ये तमन्ना आती है, उम्मीद होती है, तमन्ना होती है, आरजू होती है कि मैं अपनी लाइफ को करूं? आप में से ऐसा कोई भी है? कोई सब कहते हैं ठीक है पेरेंट्स कर रहे हैं करने दो, टीचर कर रहे हैं करने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने अपनी लाइफ को लीड नहीं करना, बस ठीक है जो चल रहा है जैसे चल रहा है। जी सर, आप इस तरह से ले लें कि लाइक अगर 100% आप नहीं कह सकते हैं, लाइक 80% वो लोग होते हैं जो टर्म्स और कंडीशंस उनसे हैं उनके वो अकॉर्डिंग टू अपने पेरेंट्स और किसी के बिना पे कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं 20-40% ऐसे कह लें कि जो मतलब खुद इस तरह से इंडिपेंडेंटली सब कुछ करना चाहते हैं और इस तरह से होते हैं। क्या वो फिर वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करते हैं या नहीं करते? सर मेरे ख्याल से जो ये इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, ठीक है, जो के खास तौर पे जो हमारी एज ग्रुप्स के जो हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, जब हम लोग इस चीज पे चलते हैं तो हम कहीं ना कहीं गलत भी हो जाते हैं। जब आपके सर पे कोई ना हो और आपको गाइड करने वाला भी बिल्कुल कोई ना हो तो समटाइम्स आप गलत भी उसी वजह से होते हैं। लेकिन हर एक गाइडेंस की वजह से तो है कि मैं खुद लीड करूं। यस सर, अब फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास है तो उसमें स्टूडेंट्स जो उनसे होते हैं कुछ लायक होते हैं, कुछ इस तरह से मेंटालिटी हर एक की डिफरेंट होती है, तो हर एक का दिल करता है कि हम टॉप करें और हम यानी कि टॉप लिस्ट में आए, तो हर एक का दिल तो करता है लेकिन कर कोई कोई पाता है क्योंकि हर एक की एबिलिटी सेम थोड़ी है, सोचने का अंदाज हर चीज हर एक इंसान से मुख्तलिफ है। अच्छा, अब यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन, उसी फर्स्ट क्वेश्चन की बेस पर कि जो बंदा लीड नहीं करना कर सकता उसको ये रियलाइज हो जाए कि मैं लीड करना चाहता हूँ, और जो लीड कर रहा है उसको ये रियलाइज हो जाए कि मेरी टर्म्स एंड कंडीशन गलत हैं, तो क्या इस रियलाइजेशन के बाद इज इट पॉसिबल टू चेंज योर लाइफ? क्या ये पॉसिबल है कि हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं? क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? कितने परसेंट? सर अगर जो चाहता है कि वो अपने आप को बदले इसकी तो अब पॉसिबिलिटी उस पे डिपेंड करती है, मेनली तो 80-90% है। सर विल पावर पे डिपेंड करता है, सर उम्मीद पे दुनिया का। देन डू यू नो द प्रोसेस ऑफ चेंज? अगर यस यस वी कैन चेंज आवर लाइफ,
वी कैन चेंज आवर एम्स गोल्स, सब कुछ हम चेंज कर सकते हैं. तो अब थर्ड क्वेश्चन है, इफ यस देन डू यू नो द प्रोसेस ऑफ चेंज, चेंज कैसे करना है, चेंज का प्रोसेस क्या है. इस बारे में ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे तो वो थोड़ी देर जी फर्स्ट, लेकिन हम लोग बेटरमेंट ला सकते हैं अपनी लाइफ, लेकिन जो अल्लाह ने हमारे लिए. अगला क्वेश्चन, हाउ, कैसे कैसे बेटरमेंट ला सकते हैं, कैसे हम उस सर सबसे पहले अपने आप को बदल कर, सर कैसे अपने आप को बदल कर, बदलने का प्रोसेस क्या है सर. अपने आप में फॉल्ट ढूंढ के सही किया जा सकता है सर. अगर बंदे के पास विल है, विल पावर है उसकी, उसके दिल में मतलब है एक चीज, अगर उसे अचीव कर सकता है स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स ले, और वो अल्टीमेटली गोल अचीव कर ही सकता है अपना. कौन बात सर, आई वुड से कि वही वाली आपका पॉइंट आ जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन. जब तक हमें सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं होगी, हम चेंज ही नहीं कर सकते अपने आप को. अच्छा, लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, बाय व्हिच टूल यू कैन चेंज योर लाइफ, व्हाट कैन चेंज योर लाइफ एंड मेक यू लीड योर लाइफ. कभी आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन अपने आप से पूछे, या इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की? और मैं सीधी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, और मेरे पास यानी आप तो एक, आपकी लोगों की एज कम है, मेरे पास 50+, 60+, 67 अभी एक मैं पढ़ा रहा था, यूनिवर्सिटी नहीं है उसके अंदर, ऑफिस के अंदर मैं एक ट्रेनिंग करा रहा था, तो सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े बूढ़े अंकल भी बैठे होते हैं. मैं उनसे ये बात पूछी कि मैंने कहा ये क्वेश्चन कभी आप लोगों ने अपने आप से पूछे, कभी आपने सोचा इस एंगल से? तो मेजोरिटी का आंसर नो में था, और कुछ तो साइलेंट बैठे हुए थे, उनको समझ नहीं आ रही थी हम क्या जवाब. अच्छा, आप लोगों को डिस्कस करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये, मैंने अभी ये क्वेश्चन सिर्फ आपके सामने रेज किए, अभी मैं इस पर डिटेल में डिस्कशन करूंगा. अभी मेरे पास पार्टिसिपेंट जो है आप लोग 50 हैं. अगर आप लोगों ने ये सेशन कंप्लीट कर लिए, मैं गारंटी से आप लोगों को कहता हूँ, मैं थोड़ा सा आप लोगों का फीडबैक शो भी किया था, वो आप लोगों के सामने, किसी ने पढ़ा है किसी ने नहीं पढ़ा मैटर नहीं करता, लेकिन आप लोगों को इतना बता रहा हूँ कि मैं दावा नहीं करता, लेकिन ये मेरी 5-7 साल की मेहनत है जो मैंने लाइफ को पढ़ा है. मैंने लाइफ के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लिए हैं, मैंने लोगों की साइकी पे वर्किंग की है, मैंने औरतों की साइकी पे वर्किंग की है, मेरी मिसेज हैं, मेरी बेटियां हैं, और मैंने उनकी साइकी को, लोगों के बहुत सारी स्टोरीज हैं मेरे पास, मैं सुनाऊंगा आप लोगों को बहुत सारी स्टोरीज, उनके नाम नहीं लूंगा, तो उन स्टोरीज से जो है ना मैंने ये सारा कॉन्टेंट डिज़ाइन किया, और उसकी बेस पर जो हमारे माशरे में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जिन जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उनकी कीज पकड़ा दूंगा आप लोगों को. अगर आप लोग इसको केयरफुली लिसन, अगर उसको सुनेंगे आप केयरफुली, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड चलना शुरू हो जाएगा. मेरी एक ही डिमांड होती है स्टूडेंट से कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ यूज़ करनी है, अपने माइंड यूज़ करना है. मेरा कोर्स मटेरियल आपको कोई बुक नहीं रेफर करूंगा, खासकर फर्स्ट मॉड्यूल में कोई बुक वगैरह रेफर नहीं करता, कोई कोर्स मटेरियल, कोई रीडिंग मटेरियल कि आप पढ़ी जाओ. तो मेरे पास एक ही बुक है जो मैं पढ़ाता हूँ, वो आप लोगों की पर्सनल लाइफ है. उस लाइफ में किस किस एंगल से आप सोच सकते हैं, किस किस एंगल से आपको सोचना चाहिए, और वो लाइफ में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ढकी छुपी पड़ी हुई हैं, हिडन है, जिसका आपने कभी पर्दा भी नहीं उठाया, कभी आपने उनके बारे में सोचने की भी कोशिश नहीं की, उस पर वर्किंग करेंगे. हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. अब यहाँ से आगे जो स्लाइड्स हैं वो बेसिकली सारी की सारी आप लोगों को पिक्चर्स मिलेंगी, और ये फर्स्ट हमारा जो मैंने कहा था हमारा आज एजेंडा पॉइंट है चेंज का, तो फर्स्ट पिक्चर ये आप लोगों का हाल होता है फर्स्ट क्लास में, ऐसा ही है कि नहीं है? ऑनलाइन है और जो देख रहे हैं, जो तो ऑनलाइन सर को छोड़ के खुद जाके सो गए हैं, उनका तो पूछना ही कुछ नहीं, लेकिन जो ऑनलाइन है, जब आप फर्स्ट लेक्चर में जाके ना, तो इसी तरह मुंह बनाया होता है. जी सर. सर ये क्या हो रहा है, मैं कंफ्यूज. जी कंफ्यूज काइंड ऑफ फेस. कंफ्यूज भी है, रोना भी आ रहा है. सर इस्लामिक स्टडी पहले बड़ी पड़ी है, अब दोबारा पढ़नी पड़ेगी. सर 2 घंटे का लेक्चर, 3 घंटे का लेक्चर लेंगे सर. सर हमारे सर का क्या बनेगा, वगैरह वगैरह वगैरह. और अभी तो आप लोग मेरे सामने नहीं है, मेरी क्लास में इस पिक्चर पे जो एक्सप्रेशन होते हैं, जो आपकी चेहरे के जो चेंज होती है फीलिंग्स वगैरह आप लोगों की, वो देखने के लायक होती है. एक दफा ऐसा हुआ, एक स्टूडेंट मेरी क्लास में आई, और वो आई और बाहर निकल गई, फिर दोबारा आ गई. मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है आपका, तो कहने लगी सर मुझे जब मैं क्लास में आई तो ये पिक्चर चल रही थी, तो मैंने कहा ये इस्लामिक स्टडी क्लास नहीं है, मैं चली गई. फिर मैंने बाहर जाके कोऑर्डिनेटर से पूछा कि सर अखलाक की इस्लामिक स्टडी क्लास यहाँ हो रही है, कहने लगे हाँ यही हो रही है जहाँ आप गई थी और वापस निकल आई. तो फिर मैं आके बैठ गई, कन्फ्यूज हो गई. मैंने कहा पता नहीं कौन सी इस्लामिक स्टडी चल रही है जिसमें सारी पिक्चर ही चल रही है.
अच्छा, इस पिक्चर को ऐड करने का एक ऑब्जेक्टिव है जिसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। अभी तक तो जो बोलना चाह रहे हैं वो बोल रहे हैं, कहीं मैं बुलवाऊंगा जो नहीं भी बोलना चाहते, और जो रिप्लाई नहीं करेगा मैं उसको रिमूव कर दूंगा। अच्छा, ऐसा है, आप लोगों का बचपन में भी ऐसे होता था कि आपको रोना आता था और इसी तरह की रोने वाली फीलिंग्स होती थी, अब भी होती हैं, तो क्या फीलिंग में कोई चेंज आया या फीलिंग एक जैसी है? जी सर, चेंज आया है। Yes sir, we are mature now. Basically feelings में change नहीं आया, feelings की reason में change आया। इस बच्चे को मामा ने चॉकलेट छीन लिए, रोना आ गया, मामा दूर जा रही है, रोना आ रहा है। अब मामा चॉकलेट छीन ले, मम्मा से कहे मम्मा डब्बे का डब्बा चॉकलेट लेके चली जाओ, मुझे मोबाइल यूज करने के लिए प्लीज दे दो। अब जो रीजन है ना दुखी होने की, परेशान होने की, वो और है, लेकिन जो फीलिंग्स है वो एक जैसी है। तब भी दुखी होते तो चेहरा ऐसे ही बनता था, अब भी दुखी होते हैं तो चेहरा ऐसे ही बनता है, लेकिन उस दुखी होने में उसकी सैडनेस के पीछे जो रीजंस हैं वो चेंज होगी। ऐसा ही है कि नहीं है? Yes, sir. एक और पिक्चर देखते हैं। मतलब जो अभी ज्वाइन, जो कुछ तो 49 स्टूडेंट हैं, जब आप लोगों की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तब मैं अटेंडेंस ले लूंगा। अभी आप लोग 49 पे आ गए हैं, नीचे जाते जाते 37 पे जाएंगे, मुझे अटेंडेंस लेना आसान हो जाएगी। अच्छा, ये सेकेंड पिक्चर देखिए आप लोग, कि सर चल क्या रहा है यहाँ पे, क्यूरियोसिटी क्या हो रहा है। तो ऐसे भी आप लोग बचपन में भी ऐसा ही था आप लोगों का, आप इसी तरह सोचते थे। तो फीलिंग अब भी आपकी ऐसी है, अब भी क्लास में आते हैं, अभी कोई फर्स्ट टाइम कोई ज्वाइन करेगा क्लास को तो वह कहेगा सर क्या चल रहा है, ये पिक्चर दिखा रहे हैं, इस्लामिक स्टडी की क्लास। वो दूसरे से मैसेज करके पूछेगी क्या चल रहा है। तो क्यूरियोसिटी अब भी है लेकिन रीजन चेंज हो, यानी आपकी फीलिंग के पीछे जो रीजन है उसके अंदर चेंज आ गया है। जैसे आप में से एक स्टूडेंट ने कहा क्या मैच्योर नाउ, हम मैच्योर हैं, काफी मैच्योर हो गए आप लोग और बाकी मैच्योर हैं आप लोग। अभी मैच्योरिटी का आइडिया इस पिक्चर से हो जाएगा। बताएं ये जो इनोसेंट एक बच्ची है, उसके पास छोटी सी क्यूट सी बिल्ली है, तो इसको किस चीज का डर है, इसके चेहरे पे इनसिक्योरिटी है, इसको फियर है, एक तरह का डर है जो उसकी आंखों में दिख रहा है, इनसिक्योरिटी की वजह से ये सीखी हुई है। तो इसको किस चीज का डर है? तो सर कोई इसकी बिल्ली को कोई नुकसान ना पहुंचाए, कोई बिल्ली छीन ना ले जाए। कौन बोला भाई? इर्तिजा हैदर सर, इर्तिजा हैदर। यानी बिल्लियां छिन जाए तो इस बात का भी डर होता है आपको? यस सर, जिससे प्यार होता है। तो लविंग कैट इसलिए शायद उसको ऐसा लग रहा है। जी थोड़ा ऊंचा बोला करें आप लोग। लविंग पैट सर इसलिए उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी चीज हमारी प्यारी कोई चीज दूर हो जाती है तो हमें उसके बारे में डर होता है कि हमसे दूर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोग इस पिक्चर पे एक चीज आपको बताऊं और जिसको आप रियलाइज करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में, कि लाइफ में दो मेन प्रॉब्लम्स हैं जो आपके दिल का सुकून का बेड़ा कर देते हैं, बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। यानी इसका दिल, इस बच्ची का दिल मुतमैन नहीं है, ये रिलैक्स नहीं है। तो इसके अंदर दो मेन प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से दिल की दुनिया में बर्बादी आती है। अभी आप बैठे बैठे प्रॉब्लम में चले जाएंगे, अभी बैठे बैठे आप लोगों का जो है फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी। नंबर वन डर, फियर, खौफ जो है ना आपकी दिल की दुनिया को बदल के रख देता है, आपके दिल का सुकून, आराम, राहत, चैन सब बर्बाद कर देता है। और सेकंड जो है, जो बेसिकली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम लेके आता है, फर्स्ट फियर है, सेकंड जो है कि आपका जो रिलेशनशिप टूटता है उसके टूटने का गम, डर और गम। अब इन दोनों के पीछे अगर आप और डेप्थ में जाएंगे तो बेसिकली रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप जब तक बना हुआ है, ये बिल्ली के साथ इस बच्ची का रिलेशनशिप है, जब तक ये रिलेशनशिप बाकी है तो अब इसको जो है रिलेशनशिप के टूटने का डर है। और जब ये रिलेशनशिप टूट जाता है, इसे कोई बिल्ली छीन के ले जाता है, तो इसको रिलेशनशिप टूटने के बाद गम खा जाता है। तो आपकी लाइफ में जो मेन प्रॉब्लम्स आते हैं वो ये दो तरह के ही होते हैं। सब इधर उधर से जितने प्रॉब्लम्स आप इकट्ठे करें ना, ये दो ही उसके रिजल्ट्स निकलेंगे। एक होगा आपको डर और दूसरा होगा आपको दुख, परेशानी, दुख, गम, आप कुछ भी कह सकते हैं उसको। और इन दोनों के पीछे जो बेस है वो रिलेशनशिप है। तो अब आप देखें कि इस बच्ची का रिलेशनशिप जो है इस बिल्ली के साथ स्ट्रांग है, तो इसको बिल्ली के छिनने का डर है। अब बच्ची से आप बड़े हो जाते हैं, आप मैच्योर हो जाते हैं, अभी आप जो है यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों का रिलेशनशिप चेंज नहीं होता, चीजें बदल जाती हैं। जब छोटे थे तो बिल्लियों से प्यार था, अब बड़े हैं
तो किसी को बाइक से प्यार है, किसी को फरारी से प्यार है, किसी को घर से प्यार है, किसी को पर्स से प्यार है, किसी को जो मामा ने पर्स दिया था गिफ्ट में बर्थडे पे, किसी को उससे प्यार है, किसी का जो खाला ने जो कपड़े दिए थे गिफ्ट किए थे उससे प्यार है, किसी को जो है खाड़ी के लोन से उससे प्यार है, किसी को इससे, किसी को उससे, किसी को उससे, तो चीजें बदल गई हैं, रिलेशनशिप वही। अब रिलेशनशिप जिस चीज से जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है दुख भी उतना ज्यादा होता है टूटने के बाद, और डर भी उतना ज्यादा होता है टूटने का। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मेरे पास स्टोरीज बहुत सारी है उसकी एग्जाम्पल की, वैसे आप लोगों ने इसको समझना है, उस समझने के बाद अगले स्टेप पे आप लोगों को रियलाइज होगा, समझ आ जाएगा चेंज होता क्या है, लाइफ में चेंज आता कैसे, उसको मैं इंशाल्लाह डिटेल में एक एक पॉइंट पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करके आप लोगों को रियलाइज करा दूंगा व्हाट इज चेंज, चेंज एंड इट्स फिलॉसफी जो है उसकी फिलॉसफी क्या है चेंज की, उसको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। अच्छा अब आप देखें, दो बेटे हैं, एक बेटा जो है वो चला गया बाहर एजुकेशन के लिए, FSC के बाद जो है उसने अप्लाई किया बाहर और उसका एडमिशन हो गया वहां पे कैम्ब्रिज में फॉर एग्जाम्पल, कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, और वो वहां चला गया, उसने वहां पे ग्रेजुएशन की, MS किया, उसके बाद PhD में एडमिशन लिया, और PhD का लास्ट सेमेस्टर उसका चल रहा था, रिसर्च वर्क चल रहा था उसका, और उसकी मामा की डेथ हो गई। अब जब उसकी मामा की डेथ हुई तो वापस आ गया, उसको बुलाया, उसको फ्लाइट जो खर्चा वर्चा दिया था वहां के उसने दिया और वो यहाँ आ गया। अब मामा की डेड बॉडी सामने है। दूसरा जो बेटा था उसने भी अप्लाई किया था, उसका भी एडमिशन हो गया था, लेकिन उसने कहा कि मैंने नहीं जाना, मैंने मामा के पास रहना। तो उसने UMT से ग्रेजुएशन भी की, उसने UCB से की, किसी भी यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन करके, उसके बाद जो है वो MS भी किया उसने, PhD का स्टूडेंट है, वो चल रहा है साथ में, मामा की बातें सुनता था, सुबह के दिन मामा दही लेके आओ बेटा, दूध खत्म हो गया, ये कर दो बेटा, पानी नहीं है फिल्टर से पानी भर के ले आओ बेटा, गोरमे से दो बोतलें तो पकड़ के ले आओ, ये कर दो वो कर दो, कपकेक लेके आ दो, वो ला दो वो ला दो, ये सारी सुबह दोपहर शाम सुनता रहता था। और कभी कुछ मैच देखने के लिए बैठा है तो मामा कहती थी हर वक्त मैच देखते रहते हो बेटा, कोई काम भी कर लिया करो, निकम्मे कहीं के, ये सारी बातें सुनता रहता था। अब ये दोनों जो बच्चे हैं, दोनों जो बेटे हैं, ये माँ की डेड बॉडी के सामने खड़े हैं। अब बताएं आप लोग इनमें से दुख किसको ज्यादा होगा? सर जो पास रहता था, जो पास नहीं रहता, दूर से आया था, जो पास नहीं रहता था, जो पास रहता था उसको दुख ज्यादा होगा, या जो दूर से आया है उसको दुख ज्यादा होगा? जो दूर से आया, उनमें इख्तलाफ हो गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कुछ कहते हैं कि पास जो रहता था उसको दुख ज्यादा होगा, कुछ कहते हैं जो दूर से आया जो दूर रहता था उसको रिग्रेट होगा। जी जो दूर रहता था उसको रिग्रेट होगा। ओके रिग्रेट होगा लेकिन उसको दुख नहीं होगा उसके बाद। अच्छा अब आप देखें, दोनों का सेम होगा जी, दोनों को सेम दुख होगा, दोनों को सेम दुख होगा, ऐसा नहीं है। मेरी अम्मी नहीं है, मेरी अम्मी की डेथ 2005 में हुई है, तो मैं इस चीज को असल में दुख किसको ज्यादा होगा उसके क्राइटेरिया सेट करते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरे पास स्टोरीज उसकी भी। दुख बेसिकली उसको ज्यादा होगा जिसका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा मां के साथ। जी बिल्कुल सर, अगर पास रहने वाले बच्चे ने रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं किया, दोस्तों यारों के साथ घूमता रहता था, यूनिवर्सिटी में रहता था, हॉस्टल में रहता था, गपशप लगाता रहता था, बाहर घूमता रहता था, बस घर में आता था, मामा ने कुछ कहा तो कर लिया नहीं तो नहीं। और दूसरा जो बच्चा था जो कैम्ब्रिज में था, वो हॉस्टल में रह के भी डेली बेसिस पर सुबह दोपहर शाम खाने की तरह मामा से बात करता था, 20 मिनट सुबह बात करता था, आधा घंटा दोपहर में बात करता था, शाम में बात करता था, मामा कहाँ गई, मामा आपने इस पेज को लाइक किया हुआ है, ये हो गया, कपड़े कौन से पहने हैं, पता नहीं क्या 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 सारी चीज डिस्कशन करता, यानी वो मामा के पास ही है। अब जिसका रिलेशनशिप जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उसको दुख उतना ज्यादा होगा। तो बेसिकली जो चीज मैं आप लोगों को रियलाइज करवाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, जिसको आप अंडरस्टैंड करें, बेसिकली इंसान का रिलेशनशिप जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है उसी रिलेशनशिप के टूटने का डर भी होता है और उसी रिलेशनशिप के टूटने के बाद दुख भी ज्यादा होता है। रिलेशनशिप आप कमजोर कर लें, दुख भी कम हो जाएगा और आपकी टेंशन भी कम हो जाएगी, आपका फियर भी कम हो जाएगा, आपका डर भी कम हो जाएगा। अगर आप देखें आज के जो स्टूडेंट्स हैं, आज की जो यूथ है, उसको अगर आप सामने रखें, तो जो कनाडा में जाते हैं, जो UK में जाते हैं, जो USA में जाते हैं, आमतौर पर वो स्टूडेंट वहां की रंगीनियां और वहां के माहौल को देखेंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाहर हैं, वहां से रब्ता करते हैं, सर यूं हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, क्या करें क्या ना करें, वो मैं क्योंकि काउंसलिंग वगैरह भी करता रहा तो उनसे डिस्कशन करते हैं, तो वहां जाने के बाद ना उनका रिलेशनशिप अपने माँ बाप के साथ वीक होना शुरू हो जाता है,
वहाँ की रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट है, वो सारी चीजों से वो एडजस्ट करना चाहते हैं अपने आप को। एडजस्ट करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपनी फैमिली में इनफिट हो जाते हैं, फिट नहीं रहते। हमारे ये जो दो बच्चे खड़े हैं, दो लड़के खड़े हैं, इनमें से पॉसिबिलिटी है कि बाहर वाले को दुख हो सकता है, लेकिन आमतौर पर देखा यह गया है कि जो बाहर से आता है उसको दुख कम होता है, जो पास रहता है, जिसकी अटैचमेंट माँ से ज्यादा है, उसको दुख ज्यादा होता है। अच्छा, अब आप देखें कि अगर कोई आके उनसे पूछेगा कि मामा की डेथ कैसे हुई, तो जो पास रहने वाला है ना, वो कहेगा मामा बीमार हुई, और यूं करके रोना शुरू कर देगा, बता भी नहीं सकेगा कि मामा की डेथ कैसे हुई। और जो बाहर वाला होगा वो कहेगा मुझसे लास्ट कॉल हुई थी यूं, और ये ईमेल आई थी, ये व्हाट्सएप किया था, और मामा ने ये बात की थी, ये वीडियो शेयर की थी, उसके बाद जो है ना मामा की हालत क्रिटिकल होगी, और फिर आईसीयू में ले गए, और फिर मुझे कन्वे किया था मेरी आपी ने, यूं हो गया, ये डिटेल बताएगा पूरी। और वो हौसला होगा, हौसला कौन सा, कि रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग नहीं है। जब इंसान का किसी चीज के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है तो उसके डिसीजन भी चेंज हो जाते हैं, उसके बिलीव्स भी चेंज हो जाते हैं, उसका माइंडसेट भी चेंज हो जाता है, और उसी की बेस पर आगे डर की वजह से वो डिसीजन नहीं लेता, दुख की वजह से वो डिसीजन गलत लेता है। अब आप अपनी लाइफ में देखें जो चेंज आ रहा है, अब भी आप लोगों का चीजों के साथ रिलेशनशिप है, किसी का किस चीज के साथ, किसी का किस चीज का, आप बिल्कुल इस बच्ची की तरह है, कोई भी लड़का है वो इसी की तरह है, कोई भी लड़की है वो इसी की तरह है। फर्क इतना आ गया है, रिलेशनशिप नहीं बदले, चीजें बदल गई, हम मैच्योर हो गए हैं, हम शायद आज बिल्ली को उतनी वैल्यू ना दें जितनी अपने हम व्हाट्सएप जो हिस्ट्री है उसको वैल्यू दें, शायद हम अपने फेसबुक के पेज पे आने वाले कमेंट्स को इतनी वैल्यू दें, उतनी वैल्यू हम इस केट को ना दे पाए, उतनी वैल्यू हम उन चीजों को ना दें जो बचपन में दिया करते थे, वो जो चॉकलेट है वो चॉकलेट को शायद हम उतनी वैल्यू ना दें जितनी ये बच्ची देगी, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप जो है वो चीजें बदल गई हैं। रिलेशनशिप लाइफ में नहीं बदलता, चीजें बदल जाती, और उसी की बेस पर दुख का स्टैंडर्ड भी बदल जाता है, फियर का स्टैंडर्ड भी बदल जाता है। अब आप लोगों में बहुत सारों को डर होगा, लेकिन वो डर रियलिस्टिक नहीं है, वो डर सिर्फ रिलेशनशिप की बेस पर है। अगर वो रिलेशनशिप को इग्नोर कर दें ऑटोमेटिकली डर खत्म हो जाएगा, वो रिलेशनशिप को इग्नोर कर दें तो ऑटोमेटिकली दुख भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारे लिए आप लोगों के पास एक पिक्चर थी, इस पिक्चर को डिस्कस करने का मेन ऑब्जेक्टिव आप लोगों को आइडिया हो गया, न्यू वन। इस पिक्चर से आपको क्या समझ आ रहा है, इस पिक्चर में क्या है, ये बच्ची हंस रही है, मुस्कुरा रही है, तो फीलिंग्स इसकी आप जैसी हैं, दादी अम्मा की तरह है ना, दादी अम्मा के भी दांत नहीं होते, जब हंसती है तो ऐसी लगती है ना, क्या ख्याल है आपको, तो इसमें और दादी अम्मा में क्या फर्क है? जी सर, एज का फर्क है, मतलब दादी अम्मा की एज ज्यादा होती है और ये छोटी सी बच्ची, छोटी सी मुन्नी सी है। अगर बिहाइंड द सीन जाएं, बिहाइंड द पिक्चर जाएं, तो आप रियलाइज करेंगे कि इसमें और दादी अम्मा में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। तो देखें, दांत इसके भी नहीं है, दादी अम्मा के नहीं है, लेकिन ये दांतों के मजे को जानती नहीं, इसको क्या पता कि दांतों से आप बारबेक्यू करेंगे तो बुढ़िया खाएंगे, इसको क्या पता कि जब आप जो है अखरोट तोड़ के लाएंगे तो आप खाएंगे, इसको नहीं पता। लेकिन दादी अम्मा जो है, जब उसके दांत नहीं होते तो दादी अम्मा को एहसास होता है, काश मेरे भी दांत होते। जब आप दादी अम्मा के सामने ना बैठ के मजे से जो है आइसक्रीम खाते हैं तो दादी अम्मा आपको हसरत से देखती है, कभी मैं भी खाया करती थी। तो अब इसको जो जिंदगी में आने वाला चेंज है उसकी रियलाइजेशन नहीं है, दादी अम्मा को जो चेंज से गुजर चुकी हैं उनको रियलाइजेशन। अब ये बच्ची आपसे कहें कि आइसक्रीम अच्छी नहीं होती तो ये किसी और एंगल से कह रही होगी, लेकिन दादी अम्मा आपसे कहेगी ना बेटा आइसक्रीम जो अच्छी नहीं है उससे दांत खराब हो जाते हैं, तो एक और एंगल होगा। तो लाइफ में एक्सपीरियंस की बात आ जाएगी ना, जी एक्सपीरियंस की बात आ जाएगी ना, एज फैक्टर की वजह से की बात आ जाएगी। मैंने वही कहा कि फीलिंग्स नहीं बदलती, रीजंस बदलती हैं। एक्सपीरियंस की बेस पर आपकी लाइफ में नया एडिशन होता है, नया चेंज आता है, नई चीजें ऐड होती हैं, उसकी बेस पर आपकी लाइफ में बहुत सारा चेंज आना शुरू हो जाता है। ये बेसिक चेंज है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। तो उसको मैं समराइज करूं, एक पॉइंट आपके सामने में इन पिक्चर्स के थ्रू रेज कर चुका हूं कि जो चेंज आपकी लाइफ में आता है, एक बात, रीजंस चेंज होती हैं, आपकी फीलिंग्स चेंज नहीं होती, फीलिंग्स वही रहती हैं, आपके एक्सप्रेशन वही रहते हैं, आपके जज्बात वही रहते हैं, साथ वही रहते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन जो रीजंस हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पिक्चर पे जाएं। Yes, एक नया चेंज है जिसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। इस अभी आप लोग भी कभी कभी इस तरह रूठ जाते हैं ना यूनिवर्सिटी आने से, मामा मैंने यूनिवर्सिटी नहीं जाना,
और ये बेटी भी जो है यूनिवर्सिटी अभी तो आज मैंने स्कूल नहीं जाना और रूट के खड़ी है, तो आप में और इसमें क्या फर्क है? सर रीजंस चेंज है ना दोनों की, रीजंस के साथ एक और चेंज भी आया, इमोशंस और करें आपको चेंज समझ आएगा। रियलाइज देखिए आप रियलिस्टिक हो, यहाँ पे कोई चीज थ्योरी ऐसी नहीं पढ़ाई जाएगी कि जिसमें आपको पता ही ना हो क्या रहा है, रियलाइज करें उसको और सोचें कि हमें और इसमें क्या चेंज है और क्यों है वो चेंज। सर हमें एक्चुअली पता है कि अगर हम यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे तो क्या नुकसान है, और अगर छोटी बच्ची नहीं स्कूल जाएगी तो उसको नहीं पता कि क्या नुकसान है, उसको अपनी जिद पूरी करनी है और मतलब वो नहीं भी जाएगी तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है उसको अपने साइड इफेक्ट्स का भी पता होगा तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं एग्री होकर चला जाएगा। सोचने समझने की सलाहियत का डिफरेंस है इधर। अच्छा अब पता है क्या हो रहा है कि एक नया चेंज आता है आपकी लाइफ में, जब टीन एजेस में आप इंटर होते हैं तो आपकी लाइफ में सिर्फ रीजंस चेंज नहीं होती और कॉजेस चेंज नहीं होते, बल्कि मैं वर्ड तो अच्छा नहीं है, ड्रामेबाज हो जाते हैं, धोखे अपने आप को धोखा देना शुरू कर देते हैं। कैसे? जब छोटे बच्चों को स्कूल नहीं जाना ना तो कह देते हैं स्कूल नहीं जाना, जो अंदर है वही बाहर है, अब तो बच्चे भी ड्रामेबाज हो गए लेकिन जो अंदर है बाहर है वो रूठ के खड़े हो जाएंगे, बाबा मैंने स्कूल नहीं जाना, तो ठीक है स्कूल नहीं जाना, तो वो बाबा को अपने दिल की बात बताते हैं, उसको बताते हैं जिससे डर नहीं होता, मम्मा को बता देंगे, बाबा को बता देंगे, दादी अम्मा को बता देंगे, नानी अम्मा को बता देंगे, जो भी फेवर देने वाला बंदा होगा उसको बता देंगे भाई मैंने स्कूल नहीं जाना, और मुंह बना के ऐसे खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों के यहाँ ये होगा कि आपका अब भी यूनिवर्सिटी में आने का दिल नहीं करेगा, पढ़ने का दिल नहीं करेगा और क्लास अटेंड करने का दिल नहीं करेगा, लेकिन आप लोग फिर भी चेहरे पे मुस्कुराहट से जाके आप लोग यूनिवर्सिटी आएंगे, ग्रीन यूएमटी में एंजॉय करेंगे, कैफेटेरिया में जाएंगे, अब तो कोरोना ने बेड़ा गर्क कर दिया लेकिन आएंगे आप लोग। तो आप लोग क्या करते हैं, रीजंस बदलने के बावजूद भी अपनी फीलिंग्स को छुपा लेते हैं, अपने चेहरे पे वो फीलिंग्स लेके आते हैं जो हकीकत में होती नहीं है, आप शो ये करते हैं कि हमें ये फील हो रहा है हालांकि वो फील नहीं हो रहा होता, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन जो है वो आप ऐसे बनाते हैं, आप मुस्कुराहट वाला चेहरा बनाते हैं, दुख वाला चेहरा बनाते हैं, लेकिन अंदर से आप हंस रहे होते हैं और आंखों में से आंसू बह रहे होते हैं, अंदर से हंस रहे होते हैं चलो भाई इसको धोखा दे दिया मैंने। तो एक नया चेंज ये आता है, रीजंस भी चेंज होती हैं, दूसरा ये कि हम जूझू मेच्योर होते जाते हैं, हमारा अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल आता जाता है, हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके लोगों को धोखा देना शुरू कर देते और लोगों को वो पर्सनैलिटी दिखाते हैं जो हकीकत में नहीं है, और जो हकीकत में रियलिटी में जो पर्सनैलिटी है वो लोगों को पता नहीं होती। अब आप खुद एक क्वेश्चन यहाँ पे कि जब आप लोगों को वो पर्सनैलिटी वो अपना चेहरा दिखाएंगे जो रियलिटी में है ही नहीं है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग टू जो रियलिटी रियलिस्टिक रियलिटी में अगर देखें जो आपका फेस है उसके अकॉर्डिंग होगी एक्सपेक्टेशन, या जो उनको सामने है उसके अकॉर्डिंग उनकी एक्सपेक्टेशन होगी? सर बेसिकली जो उनको नजर आ रही होंगी जो वो फील जो नजर आ रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन होगी। अब अगली बात सेकंड दूसरी साइड पिक्चर की दूसरी साइड जो उसका अगर आप देखें कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन जो आप लोगों ने चेहरा उसको दिखाया उसके अकॉर्डिंग होंगी, जो जो रियल में आपका चेहरा है जो रियल में आपकी लाइफ है उसके अकॉर्डिंग आपकी एक्सपेक्टेशन होंगी? जो रियल में हमारा रियल में अब आप लोगों की एक्सपेक्टेशन रियल के अकॉर्डिंग है उसकी एक्सपेक्टेशन जो आपने दिखाया उसके अकॉर्डिंग है, दोनों मैच खाएंगी? नो सर नहीं खाएंगी मैच, रिजल्ट क्या निकलेगा वो भी परेशान आप भी परेशान, आप कहेंगे ये मुझे नहीं समझते वो कहेंगे ये हमें नहीं समझते, आप कहेंगे ये मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करते वो कहेंगे ये मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करता। ये हाल आपको आपके पेरेंट्स का होता है, आप पेरेंट्स को यूनिवर्सिटी वालों को अलग दिखाते हैं कि ये फलाफला है, पेरेंट्स को दिखाते हैं ये वाली जो है लाइबा नोरीन कोई भी हो सकती है ये है, और जहाँ पे आप लोगों की सहेलियां रहती हैं उनके सामने पिक्चर कोई और होती है, तो चार पांच तरह की पर्सनैलिटीज घूम रही होती हैं और जो रियल पर्सनैलिटी है वो किसी को पता नहीं होती, वो आपको ही पता होती है और अल्लाह को पता होती है। तब दुनिया में जो एक्सपेक्टेशन बनती है आपकी वो भी गलत होती है और जो लोग आपसे एक्सपेक्टेशन लगाते हैं वो भी गलत होती है। यहाँ बहुत बड़ा चेंज आता है और इस चेंज की बेस पर आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंज आते हैं। इसके चेहरे की फीलिंग क्या बता रही है इस बच्ची की? चाहिए थोड़ी एक्साइटेड है और खुश, मतलब आप लोगों की आवाज कट रही है, कुछ चीज को बहुत गौर से ऑब्जर्व कर रही है, और किसी चीज में ये शो कर रही है कि मैं खुश हूँ लेकिन है नहीं।
जी और ये शो कर रही है कि खुश है लेकिन है नहीं, नहीं ऐसा नहीं है भाई, गलत, ये रियल में खुश है, जो उसकी आंखों की चमक दिखा रही है खुश है, और शो नहीं कर रही बल्कि इसको कोई चीज अच्छी लग रही है तो इसकी चेहरे के एक्सप्रेशन बदले। तो बहरहाल अब आप देखिए रीजन, तो ये किसी चीज को गौर से देख रही है, गौर से देख रही है और उसके होंठों की चेहरे के एक्सप्रेशन क्या बता रहे हैं, किस टाइप की चीज को देख रही है सर, जो उसको पसंद आ रही है, जो उसके लिए अट्रैक्टिव है। तो जो चीज इस चीज के लिए अट्रैक्टिव थी, क्या आज आप लोगों के लिए वो चीज अट्रैक्टिव है? नो सर, ये हाल है समटाइम्स आप लोगों का, ये चीजें है सर, सामने एक बुक खुली हुई है, सर पे इस्लामिक स्टडी की सारी बुक्स रखी हुई है, प्रॉमिस ऑफ ग्राफिक्स की, मार्केटिंग की, इसकी उसकी, पता नहीं किस किस की बुक्स रखी हुई है, एक बर्डन बन गया हमारे लिए एजुकेशन, ऐसा है कि नहीं है? अच्छा अब नहीं, और अब मैं सिर्फ अपने इस कोर्स की बात नहीं करूंगा, जिस चीज को आप अंडरस्टैंड नहीं करते, जिस चीज को आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ लिंक नहीं करते, वो चीज आपके लिए इसी तरह बर्डन होती है। इस पर मैं इंशाल्लाह डिस्कशन करता हूँ, इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, आपको समझाऊंगा कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस है, कि मालूमात जो है और इल्म जो है, नॉलेज और इंफॉर्मेशन, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। नॉलेज जो है वो बर्डन बन जाती है लाइफ में, जो इंफॉर्मेशन है वो बर्डन बनती है लाइफ में, वो बर्डन की वो बहुत ज़्यादा एक बोरिंग की सिचुएशन क्रिएट कर देती है, लेकिन जो नॉलेज है वो हमेशा लुत्फ देता है, नॉलेज हमेशा इंसान की जिंदगी में सुकून लेके आता है। तो ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में जो डिफरेंस है उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोगों की मैं अटेंडेंस लेता हूँ, और ये पोर्टल पे आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ, 49, 48 हैं, अभी देखना सारे आ जाएंगे, सब तरह मैसेज हो जाना है। सर आपने इंफॉर्मेशन और नॉलेज का डिफरेंस, हमारी जो डिस्कशन चल रही थी उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। देखें आप लोगों के सामने पिक्चर है, हाशिम अली रेस है, हाशिम क्या मसला है बोले? जी हाशिम, अस्सलाम वालेकुम सर, वो लास्ट में अटेंडेंस नहीं मेरी हुई थी, मैं उसके लिए अटेंडेंस किया था। ठीक है, देखूंगा। अच्छा ये पिक्चर आप लोगों के सामने है, पिक्चर पे थोड़ा सा आप गौर करें। तो अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है, जो भी मैंने पहली देर थोड़ी देर पहले आप को डिस्कस भी करना था, करूंगा इंशाल्लाह, कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या फर्क है, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। सर जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम कहीं से भी गेट कर लेते हैं, मतलब हमें उसमें श्योरिटी नहीं होती है कि वो ठीक है कि नहीं। जो नॉलेज होता है वो हम स्पेसिफिक बुक्स या अपने टीचर्स या ऐसी वेबसाइट से जहाँ पे हमें कंफर्मेशन होती है, तो वो ये नॉलेज होता है और इंफॉर्मेशन आपके सामने। मेरे ख्याल से सर इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जो बात हमने कहीं पढ़ी है या हमें पता है, और नॉलेज का मतलब वो होता है जो हमारे इल्म है, जिसका हमें भी हमें उसके ऊपर यकीन है कि हाँ ये चीज है। Exactly. अच्छा आपके सामने अगर एक्सीडेंट हो जाए तो ये एक्सीडेंट जो है ये नॉलेज है या इंफॉर्मेशन? सर ये नॉलेज में होगा हमारी। सर ये नॉलेज में, ये बोथ आएगा, दोनों में आएगा, बोथ नॉलेज भी है इंफॉर्मेशन। अच्छा चलें इस क्वेश्चन को, इस पे डिस्कशन इंशाल्लाह करते हैं। दूसरे एंगल से ये बताएं, आप लोगों का जो कोर्स चल रहा है, कोई भी कोर्स है आप लोगों का, जो प्रोग्राम चल रहा है, तो प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स PLO, और इसी तरह उस प्रोग्राम में 20-25 जितने भी कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों के 140 क्रेडिट आवर्स हैं या 148 क्रेडिट आवर्स हैं, तो उसमें जो मुख्तलिफ कोर्सेज जो आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं, उन कोर्सेज का यानी पूरे आपके प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स क्या है, इस प्रोग्राम
आठ सेमेस्टर दस सेमेस्टर का जो प्रोग्राम है वो जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आउटकम्स क्या होंगे, रिजल्ट्स क्या होंगे, आप गेन क्या करेंगे, मिलेगा क्या? बेसिकली हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एयर स्टॉप्स, मेरी बात पूरी नहीं कंप्लीट कर दो फिर आप लोगों की ओपिनियन लेता हूँ। तो बेसिकली आमतौर पर स्टूडेंट्स जो हैं वो डिग्री को आउटकम समझते हैं, तो डिग्री मिल गई ओके, और डिग्री में मिली बेसिकली डिग्री में ग्रेड्स हो जाए तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सेकंड जो एंगल इस चीज़ का वो ये है, एक तो कि प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स, यानी जो आपका प्रोग्राम है उसकी लर्निंग के आउटकम्स क्या हैं, आपको मिलेगा क्या, क्या आपकी लाइफ में चेंज आना चाहिए, क्या चीज़ अचीव होनी चाहिए फर्स्ट। सेकंड जो है उस प्रोग्राम के अंडर बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, उन कोर्सेज में एक इस्लामिक स्टडी भी है, पाक स्टडी भी है, इंग्लिश जो है लिटरेचर भी है, इस तरह और बहुत सारे कोर्सेज हैं, ये तो कंपलसरी है इसलिए मैंने नाम ले लिए, बाकी कोर्सेज भी हैं। तो फिर अब अगला लेवल आता है कि कोर्स लर्निंग आउटकम्स, यानी किसी कोर्स में जो 30 लेक्चर्स आप पढ़ते हैं उन 30 लेक्चर्स के आउटकम्स क्या हैं, उन 30 लेक्चर्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उन 30 लेक्चर्स के गोल्स क्या हैं, एम्स क्या हैं, जिनको अचीव करने के लिए आप वो 30 लेक्चर जो हैं वो उस कोर्स के पढ़ रहे होते हैं, उसको अटेंड कर रहे होते हैं। अब अगला लेवल कि जो कोर्स है उसके जो आउटकम्स हैं वो आउटकम्स आपके प्रोग्राम के साथ अलाइन हैं कि नहीं, यानी प्रोग्राम के जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं गोल्स हैं वो आप जो कोर्स पढ़ रहे हैं उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो दोनों प्रोग्राम के साथ अलाइन हैं कि नहीं, ये तो एक थी डिस्कशन। अब आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप लोगों को जो भी प्रोग्राम है आपका, आप लोगों को अपने प्रोग्राम के आउटकम्स का पता है या कभी डिस्कस हुआ या कहीं डिस्कस किया गया, आप में से किसी को भी पता कि मेरा ये प्रोग्राम है और उसके आउटकम्स ये हैं, जो मैंने किसी साइड पे देखा, ये यूएमटी वालों ने डिस्कस किया, ये अपना टीचर ने डिस्कस किया, जब हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था तो ओरिएंटेशन सेशन में ये प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स को डिस्कस किया गया और ये 12 आउटकम्स हैं, 8 आउटकम्स हैं, इसको हम अचीव करेंगे, और फर्स्ट जो है आउटकम है उसको हम 5 कोर्सेज के थ्रू अचीव करेंगे, सेकेंड आउटकम को हम 3 कोर्सेज के थ्रू अचीव करेंगे, किसी ने कुछ डिस्कस किया हो या कोई पता हो आपने? जी पीएलओ मैंने कहा कभी डिस्कस किए, कभी आप लोगों ने उसको वर्किंग की? नो सर, शुरू भी आज तक जी की है सर, खुद से की थी या टीचर ने की थी और टीचर ने डिस्कस किया तो आप लोगों ने उस पर बड़ी वर्किंग की और उसको अलाइन किया और उसके बाद उसपे फोकस किया, कोई है ऐसा स्टूडेंट जिसने ऐसा किया? जी सम टाइम ऐसे होता है कि लाइक हमें किसी फील्ड का नहीं पता होता, लेकिन जैसे मेरी जो फील्ड है डीपीटी की है, तो ये वाली फील्ड कुछ इतनी खास मतलब पहले किसी को नहीं पता था, अभी जाके ये थोड़ी इन हुई है, तो इसके बारे में मेरे टीचर्स ने मुझे बताया था और इसके फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था कि ये एजेंसी है, इसमें हाउस जॉब होती है और 5 इयर्स कोर्स है और प्रॉपर इसके साथ डॉक्टरेट आप जो डिग्री है वो आप अचीव करते हो, आगे आप क्लिनिकल भी और हॉस्पिटल में भी आप जॉब करते हो, तो बेसिकली ये सारा कुछ मुझे बताया था मेरे टीचर्स ने और मेरे पेरेंट्स ने, तो फिर मैंने इसको जिनसा था चूज किया था, क्योंकि जो है एमडी कैट वगैरह उसमें थोड़ा ज़्यादा मेरिट होता है तो उसमें कम ही चांसेस होते हैं, तो एज कम्पेयर टू एमबीबीएस और ये, तो ये भी सबसे अच्छा था, तो दैट्स व्हाई ये सिलेक्ट किया मैंने। ये हो गया इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन है, आपको इंट्रोड्यूस कराया कि प्रोग्राम ये है, इस प्रोग्राम के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स, रिजल्ट्स। जी इसके मेन ऑब्जेक्टिव यही हैं बेसिकली के जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो बेसिकली आपके मसल्स बोन्स और इसमें हमारे पास जिनसे होते हैं मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया और इसमें हमें एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से कैसे मसल्स को रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, कौन सा बॉडी पार्ट आपके रिलेट कर रहा है, किस तरह से रिलेट कर रहा है बोन्स के साथ,
तो ये सारा कुछ एमबीबीएस वाले भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज का स्पेसिफिक है ना, कि डेंटल जो उनसे हो गए वो टीथ का करेंगे, एमबीबीएस वाले वो अपनी सर्जरीज वगैरह करेंगे, लेकिन ये मसल्स और बोन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव यही है कि अकॉर्डिंग टू मसल्स बोन्स और ये सारा कुछ ये डील करते हैं। मसल्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस कोर्स में पढ़ेंगे आप? एग्जैक्टली जी, एनाटॉमी में यही होता है ना कि लाइक हमारी कितनी बोन्स हैं। अब आ जाएं कि जो आपने की कोर्सेज हैं उनको फिर इसके पीओलओ के साथ लिंक कर। अब आपने तो अच्छा कोई टीचर मिल गया जिसने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन फिर भी आप बुलेट्स पॉइंट्स में जैसे कि हमारे एचईसी ने या दूसरे इदारों ने बाकायदा पीएलओ दिए हुए हैं, तकरीबन हर प्रोग्राम के पीएलओ दिए हुए हैं और उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन। अभी मैं इसको डिस्कस करना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेन ऑब्जेक्टिव इस डिस्कशन से कहीं लेके जाना है आपने, तो असल में जो चेंज है उस पर लेके जाना है। वो चेंज क्या है, उस चेंज को हम क्या समझते हैं और रियलिटी में क्या है? किसी और ने वर्किंग की हो पीएलओ पे, सीएलओ पे, किसी भी एंगल से वर्किंग की हो, उसको अपनी पर्सनल लाइफ से अलाइन किया हो। अच्छा, अभी कौन डिस्कशन कर रहा था, नाम? सर मैं नयाब। अच्छा नयाब, ऐसा है तो फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो भी हमारी डिग्री या प्रोग्राम के आउटकम्स हैं उसको कभी हमने अपनी पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव है, अपनी लाइफ के जो ऑब्जेक्टिव हैं उससे अलाइन करने की कोशिश की, या सिर्फ ये कि डिग्री मिलेगी, पैसा कमाएंगे, सर्व करेंगे, डॉक्टर का नाम होगा डॉक्टर फला 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 और ये होगा, उसके बाद सर्व करेंगे, पैसा कमाएंगे, एंजॉय करेंगे? सर पॉइंट इज के हम समटाइम ऐसे होता है कि जो हम लोग अपनी फील्ड चूज कर रहे होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स और फैमिली के हिसाब से ज्वाइन करते हैं, और क्योंकि हमें डॉक्टरेट और इंजीनियरिंग की डिग्रीज चाहिए होती हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली जो उनसे मेरी डिग्री है इसमें डॉक्टरेट लगता है प्रॉपर, आपको ऑफिशियल मिलता है, तो क्लिनिक आप अपना खुद ओपन कर सकते हैं और आपको हॉस्पिटल भी मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि रिलेट कर सकते हैं हम लोग अपनी लाइफ में भी, क्योंकि जिनसे हम अपनी डेली लाइफ में पहले तो नहीं, मतलब फर्स्ट थ्री सेमेस्टर्स और स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं समझ आता ना, तो लेकिन आगे जैसे जैसे सेमेस्टर गुजरते हैं इंफॉर्मेशन नॉलेज हमें गेन होता है ना, तो फिर हम उसको खुद ब खुद ही अपनी लाइफ के साथ रिलेट करते चले जाते हैं। अच्छा, तो फिर खुद हमें पता चलता है। ओनली वन पर्सन है आप डिस्कशन कर रही है, बाकी सारे तो उनको परवाह ही नहीं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा क्यों हो रहा है। बेसिकली हम जिस चीज को रिलेट कर रहे होते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ, हम उस कोर्स के थ्रू अपने लाइफ के उस एंगल को समझ रहे हो, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन नहीं कर रहे होते। मतलब मसल्स के अंदर ये फंक्शंस हैं, तो उसको हम अपने बॉडी में समझ रहे होते हैं, अच्छा ये होता है, यूं होता है, ओके ये तो यूजफुल है, हमें यूं करना चाहिए, दूसरों को भी गाइड कर रहे होते हैं। ये बेसिकली आप लोग समझ रहे हैं, एक है आप उसको अपने गोल्स, जो आपने एक लाइफ के गोल्स रखे हैं, 50 साल की लाइफ है, 65 के जितनी भी है, वो आपने पेरेंट्स को और जो दादा दादी नाना नानी को देख के आदमी डिसाइड कर सकता है, आइडिया ले सकता है कि इतनी लाइफ होगी। जैसे मेरे पेरेंट्स को देखा जाए तो मेरी अम्मी 73 की होके दुनिया से गई हैं और मेरे अब्बू जो थे वो 56 के थे तो चले गए, तो अब मेरी जो फिजिक है वो अब्बू पे है, तो इसी तरह जो है पॉसिबिलिटी है 56, 57, 60, 65 के अराउंड बॉर्ड में दुनिया से जा सकता हूँ, कोई पता नहीं, कभी भी जा सकता हूँ वैसे, लेकिन बात ये हम समझ रहे हो, लेकिन उसको ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं गोल्स के। अच्छा, अब जो ये सारी डिस्कशन है, नहीं आपके अलावा और कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए आए हैं सर जी। सर सर जैसे मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो सर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इंजीनियरिंग के लिए कि हमें सबसे पहले इसका नॉलेज होना चाहिए इंजीनियरिंग का, कि इंजीनियरिंग में क्या होना चाहिए, जैसे हम जैसे किसी प्रॉब्लम में होते हैं हम उस प्रॉब्लम का एनालिसिस कर सकें, उसके बाद हमें हम मतलब इंजीनियरिंग है तो हमें डिजाइन, हमें टीम वर्क, कम्युनिकेशन हमें बताई जाती है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, और सर जो हमें जो हम नॉलेज हासिल करें उसको हमने ज्यादा देर तक कैसे रखना अपने दिमाग में, मतलब हम 4 साल के बाद BS 4 साल करेंगे, उसके बाद दोबारा तो नहीं कर सकेंगे, एक ही बार करेंगे। तो सर इंजीनियरिंग में तो ये होता है कि सर हमें इंजीनियरिंग का नॉलेज आना चाहिए, हमने किसी प्रॉब्लम का एनालिसिस कैसे करना है ये पता होना चाहिए, जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो सर इसके अंदर डिजाइनिंग वगैरह काफी होती है, तो किसी चीज़ को सोल्यूशन को डिजाइन कैसे करना है, उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है,
सर ये सर इल्तिजा ऐसा है क्योंकि मैं आईटीयू में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है, उनसे जब मैंने क्वेश्चन किया तो 12 जो हैं आपके पीएलओ हैं, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स, उसके ऊपर तो मेरी ग्रिप है, काफ़ी आइडिया भी, उसमें से मैंने उनको जो कोर्स पाया था एथिक्स वैल्यूज एंड टेक्नोलॉजी, उसके जो हमें उसको अलाइन करना पड़ता था पीएलओ के साथ, पीसीएलओ के साथ, ग्रुप इल्तिजा ने अच्छा किया, कंट्रीब्यूट किया। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं, अब हम डिस्कशन करेंगे बेसिकली जो मैंने क्वेश्चन रेज किया था कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। आप लोगों ने कुछ आइडियाज दिए, अब मैं आप लोगों से अपनी जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसको शेयर करता हूँ। बेसिकली देखें कि नॉलेज क्या है, कि अगर आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपको जो भी चीज़ मिल रही है, वो ज़रूरी नहीं कि बुक से मिले, कि टीचर से मिले, आपको एक्सीडेंट देखते हैं वहाँ से भी आप देखते हैं सुनते हैं, तो आपका माइंड ना कुछ गेन करता है। अगर वो जो आपके माइंड में जो जा रहा है, जिसको आप इंफॉर्मेशन भी कह सकते हो, नॉलेज भी कन्वर्ट होगा बाद में, वो अगर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ अलाइन है, उसको आप फील कर सकते हैं, उसको आप लिंक कर सकते हैं आपस में अपनी लाइफ के साथ, अपनी प्रैक्टिसेस के साथ, अपनी फीलिंग के साथ, अपनी थॉट्स के साथ, अपनी बिलीव्स के साथ, इन सब के साथ आप उस जो भी आपको मिल रहा है उसको लिंक कर सकते हैं, उसको एक चार्ट के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं, तो ये बेसिकली नॉलेज है। लेकिन अगर आप उसको इंफॉर्मेशन के आप उसको गेन करते हैं, उठा के सेव कर लेते हैं, ये एनाटॉमी से है, ये इससे है, ये साइकोलॉजी से है, ये इससे है, ये मैथ से है, इसको उठा के वहाँ रखते जा रहे हैं, लेकिन उस पूरी इंफॉर्मेशन को किसी एक मेन ऑब्जेक्टिव के तहत, उसके नीचे विंडो, उसके नीचे एक और विंडो, एक मेरे को आईकॉन, इस तरह करते करते प्रो चार्ट के थ्रू आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकते, दैट मीन वो इंफॉर्मेशन है वो नॉलेज नहीं। नॉलेज ये है कि आप किसी भी तरह की चीज़ उठा लें, आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ और किसी एक मेन ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को अगर आप देखें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को अगर आप देखें, तो वो जब सर्किट बनाते हैं तो सर्किट के अंदर सारी जो वायर्स होती हैं आपस में कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी होती हैं। और अगर आप जो डीपी स्टूडेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर आप देखें, तो वो जब इंसान के मसल्स को देखते हैं तो मसल्स के अंदर जितनी वेन्स वगैरह हैं ये सारी आपस में कनेक्टेड हैं। तो जब आपकी इंफॉर्मेशन, जो आपको मालूमात मिली, चाहे आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे टीचर बता रहा है, बुक से स्टडी कर रहे हैं, किसी सीन को आपने देखा है, किसी इंसिडेंट को देखा है, उसके थ्रू जो आप चीज़ आपको मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसको आप एक हायरार्की के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, देखते हैं ये आपकी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन नहीं। लेकिन जब आप उसे कनेक्ट नहीं कर पाते, उठा के रखते जा रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं। और जब चीज़ें बढ़ जाती हैं दिमाग में, तो दिमाग कचरे का ढेर बन जाता है। यानी जब आप दिमाग में मैथ की चीज़ें भी डाल रहे हैं, लेकिन मैथ की चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर रहे फार्मूला के साथ, फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, जब कनेक्ट नहीं कर रहे तो हर चीज़ पर रट्टा मारेंगे, हर चीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे। मेरी इस्लामिक स्टडी जब स्टार्ट होती है, जब एंड हो जाती है खास करके, तो स्टूडेंट कहते हैं शुक्र है हमें इसमें रट्टा नहीं लगाना पड़ा, मैं कुरान की आयात, इस तरह की चीज़ें, हदीस का रट्टा नहीं लगवाता। आप लोग पहले जो इस्लामिक स्टडी पढ़ते हैं आप लोग, उसमें क्या होता है कि आपने ये आयतें याद करनी है, ये हदीस याद करनी है, ये रट्टा मारना है, और तकरीबन FSC तक या FA तक जो है ये रट्टाफिकेशन चलती रहती है। तो उसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन होती है आपके दिमाग में आती जाती है, तो एक बर्डन बन जाता है, फिर आपकी दिमाग में ना एक बोझ लगता है, ये भी याद करना है, ये भी याद रखना है। लेकिन जो चीज़ आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ अलाइन होती है, जैसे इंजीनियरिंग को देखें या दूसरी जो नयाब बोली है, इर्तजा दो ही बोले हैं और तो कोई बोला ही नहीं है, तो नयाब ने जिस चीज़ को डिस्कस किया है कि आपकी पूरी बॉडी है, जब उस इंफॉर्मेशन को आप बॉडी के साथ लिंक करते हैं तो वो नॉलेज में कन्वर्ट हो जाती है। आप उसको खुद फील कर सकते हैं, आप उसकी बेस पर अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, आप दिमाग में उसको इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड में उस चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ लिंक ना कर पाएँ, सिर्फ थ्योरी हो और जब आप पढ़ते चले जाएँ आपको पता ही ना हो क्या हो रहा है, तो उस ये इंफॉर्मेशन है जो बर्डन बनना शुरू हो जाती है। तो अब आमतौर पर जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे होते हैं, डिस्कशन की जा रही होती है, खासकर स्टार्ट में जो होती है वो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से स्टार्ट के जो सेमेस्टर्स होते हैं वो बोरिंग होते हैं। और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करे, उसको जो प्रैक्टिशियंस हैं उनको बुलाए, उनसे लेक्चर्स, गेस्ट लेक्चर्स हों, डिस्कशन हों, तो स्टूडेंट बहुत कुछ गेन करते हैं। तो बहरहाल ये लेक्चर इस पर डिस्कशन ज़्यादा होगी। तो जो बेसिकली नॉलेज है वो है जिसको आप फील कर सकते हैं, जिसको आप अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। जिस चीज़ को आप अपनी लाइफ से कनेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ गेन किया है, आपके दिमाग में स्टोर है, मेमोरी के अंदर स्टोर है, कि हार्ड डिस्क आपकी भर जाएगी,
एक वक्त आगे ये हैंग हो जाएगी, वर्किंग करना शुरू कर दीजिए। सेम यही होता है आप लोगों के साथ, आप लोग असाइनमेंट बनानी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उसको कनेक्ट नहीं कर पाते। और जो चीज़ आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो याद भी हो जाती है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली याद। नेक्स्ट पिक्चर पर हम जाते हैं, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। कौन बताएगा इस पिक्चर में क्या है? कुछ पिक्चर्स हैं बाकी, बाकी कहने चाह रहा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जी इस पिक्चर में क्या नजर आ रहा है? तो बहन भाई का एक रिलेशन शो कर रहे हैं। गुड। और सर वो चांद को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रीम्स को मतलब पाने की। सर रीचिंग द ड्रीम्स। ओके, अब आप देखें दोनों बहन भाइयों में प्यार बहुत है। गुड। और उसे बहन सपोर्ट कर रही है उसका गोल अचीव करने के लिए। अच्छा देखें, अब आप लोग रिलेशनशिप विद ब्रेथ, एक पिक्चर के अंदर 1000 वर्ड्स हैं। अब जिस एंगल से देखेंगे तो आपको समझ आएगा हाँ ऐसे ही होगा। आप लोग कहते रहते हैं आपस में, जब आप नई यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू होती है एंड सेमेस्टर में तो सारे मलंग ही हो जाते हैं, सेवन सेमेस्टर एट सेमेस्टर में परवाही कोई नहीं होती, सेकंड थर्ड सेमेस्टर में नई नई लाइफ होती है, मैं तारे तोड़ के ले आऊँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या कर दूंगा, तो सेम यही होता है। और अब आप देखें कि इनकी जो रियल लाइफ है, इनकी चांद को ये पकड़ नहीं सकते लेकिन ये चांद को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप में और इसमें फर्क ये है कि आपको ये शायद मजाक लगेगा, लेकिन फर्क ये है कि आप लोग मैच्योर हैं, आप लोगों को नॉलेज है कि चांद ऐसे नहीं पकड़ा जाता, और इन बच्चों को नॉलेज नहीं। सर सर आपकी आवाज कट रही है। मैंने ये कहा कि आप लोगों को ये नॉलेज है कि चांद बहुत दूर है, इतना पास नहीं है, और इसको बस ये है कि मैं चांद को हाथ लगा लूंगा पकड़ा गया और वो आपकी खड़ी है। इसी तरह हम लाइफ में भी जब तक ना समझ होते हैं, माँ बाप कहते हैं कि ये ऐसा गलत हो जाएगा, यूँ सही नहीं है, तो उन्होंने 25-30 साल जितनी आपकी एज है, आपकी एज ऑलमोस्ट 22, 21, 23 इससे ज़्यादा किसी की नहीं है सर अली के उनके अलावा, तो फिर आप लोग जो है अम्मी अबू माँ बाप पेरेंट्स जो आपको समझाते हैं बेटा यूँ करोगे तो यूँ हो जाएगा, आप कहते हो नहीं नहीं अम्मी अबू क्या पता, हमें तो बड़ी किताबें पढ़नी हैं, हम तो बड़े तीसमा खान हो गए, ये हो गए वो हो गए, तो उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ जी होती है और आप लोगों ने किताबें पढ़ी होती हैं, तो आप लोगों ने उस चीज़ को फील नहीं किया होता, पेरेंट्स ने उस चीज़ फील की होती है, उस चीज़ से गुजर के गए होते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज आता है, हम ये समझते हैं हम आलम कुल हैं, हमें सब आता है, हम जो चेंजेस देख रहे होते हैं हम उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, और पेरेंट्स मुस्कुरा भी रहे होते हैं, कभी टीचर हंस भी पड़ते हैं, कोई अभी नहीं रहा है जोश है इसलिए करने दोस्तों, तो जब वो पुराने हो जाते हैं, आप भी जब उस स्टेज पे पहुंचेंगे जहां टीचर्स पहुंच गए हैं, तो उस वक्त आपको भी अपने स्टूडेंट्स पे हंसी आएगी, कल हम भी ऐसे कर रहे थे आप तुम भी ऐसे कर रहे, कर लो भाई कल को भुगत क्या होगे तो समझ आ जाएगी। तो बहरहाल इस पिक्चर के अंदर जो चीज़ मैं डिस्कस करनी थी वो यही था कि जितना नॉलेज बढ़ता चला जाता है प्रैक्टिकल लाइफ चेंज हो जाती है, इसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है नॉलेज ज़्यादा है उसकी लाइफ रियल है, और हमारे पास जितना नॉलेज कम है एक्सपीरियंस कम है हमारी लाइफ रियल नहीं है, खाली ड्रीम की दुनिया है। सर आपकी आवाज कम आ रही है। अभी भी कम आ रही है मेरी आवाज? अब मेरी आवाज सही आ रही है? स्टॉप स्टॉप हो क्या रही है? स्टॉप स्टॉप हो क्या रही है? किसी ने कोई कटर लगाया होगा, मेरी आवाज कट रही होगी। अब ये आपके सामने एक पिक्चर है, इस पे थोड़ा सा फोकस करें, गौर करें। इस पिक्चर में बेसिकली क्या है जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा ये आपको समझ आएगी, आपकी लाइफ भी ऐसी थी लेकिन अब ऐसी नहीं। जी 48 स्टूडेंट्स, एनीबडी? सर सब एक चीज के पीछे भाग रहे हैं। गुड सर, अपने गोल को अचीव करने के लिए इसके पीछे भाग रहे हैं। इनका गोल क्या है बच्चों? टीम्स दो हैं, ब्लू टीम एंड रेड टीम। अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, इन सब इन बच्चों के जो दो टीमें हैं इनका गोल क्या है? मेन गोल पॉइंट लेना, विन करना, पॉइंट लेना। जी सर, इसका मतलब आप बड़े होंगे ये बच्चे ही। इनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में एक मेन डिफरेंस, एक मेन जो है फर्क है जो आपकी लाइफ में और इनकी लाइफ में, इनकी लाइफ में है आपकी लाइफ में नहीं है। जो जो हम बड़े होते जाते हैं ना तो हमें विन करना है,
हमें जीतना है, हमारा फोकस जीत पे होता है, हम चाहते हैं जीत जाएं। बच्चों का फोकस जीत हार पे कम होता है, बच्चों का फोकस गेम पे होता है, वो गेम को एंजॉय करते हैं, वो फुटबॉल को इधर घुमाएंगे उधर घुमाएंगे, गेम को एंजॉय करते हैं। लेकिन जो जो ये बच्चे बड़े होते जाएंगे वो गेम से ज्यादा उनका फोकस होगा कि मैं जीत जाऊं, रिजल्ट्स पे फोकस होगा। तो अब आप बताएं कि जब आपका फोकस रिजल्ट्स पे होगा आप गेम को एंजॉय कर सकेंगे या करेंगे? नहीं सर। ये बच्चे एंजॉय करेंगे? करते हैं, चोट लगती है फिर कूद के भागना शुरू कर देते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता बाल किधर फेंकना है, क्या फेंकना है, बस फेंकना है, खेलना है। यस सर। तो ये मैन हमारी लाइफ में जूं जूं बड़े होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं ना, तो एक चेंज है और चेंज, इन सारे चेंजेस को कंक्लूड करूंगा इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा अभी नहीं होगा, लेकिन आपको कंक्लूजन दूंगा इंशाल्लाह कि भाई देखें कि लाइफ के अंदर फर्स्ट जब आप छोटे होते हैं तो आपका मेन फोकस प्लेयर पे होता है, मेन फोकस इंजॉय करने पे होता है, मेन फोकस गेम पे होता है, खेलने पे होता है, इंजॉय करना है, खेलना है। लेकिन जो जो आप मैच्योर होते चले जाते हैं 11 साल के 12 साल के 13 14 15 तीन एजेस, उसके बाद आप जवान होते हैं, तो ऑटोमेटिक आप क्या होता है, आपका फोकस गेम से ज्यादा आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप विन करना चाहते हैं, यही हाल आपकी डिग्री में। ये बच्चा एक वक्त तक है वो पढ़ता है, उसको मजा आता है कि ट्यून बनानी है, यूं पढ़ना है, ये करना है, वो ये एंजॉय करता है, लेकिन बाद में क्या होता है उसका फोकस डिग्री पे चला जाता है। फिर जो मेन चीज होती है जिसको वो एंजॉय कर सकता था या उसने एंजॉय किया था वो सेकेंडरी हो जाता है, उसको वो साइड पे लगा देते हैं। अभी भी आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा इर्द गिर्द देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप अपने गोल्स के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करें, आपका बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे, क्योंकि आपने उस चीज को सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पूरा करना, उसके लिए करना ही नहीं है। मैंने मेन आपके गोल से थोड़ा बहुत अलाइन है इसलिए कर रहे हैं, मेन आपका जो जो रिजल्ट्स हैं उससे अलाइन है तो आप कर रहे हैं, वरना नहीं कर रहे। तो बच्चों का फोकस एफर्ट्स पे होता है, रिजल्ट्स पे नहीं, और हमारा फोकस जो है वो एफर्ट्स से हट के रिजल्ट्स पे चले जाते हैं, उसकी बेस पर हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंज आते हैं। ऐसा चेंज आता है कि नहीं आता है कि नहीं? आते हैं सर, बिल्कुल आते हैं। सर लेकिन सर जब हम एफर्ट करते हैं तब भी तो हमें रिजल्ट मिलता है, अगर एफर्ट के बगैर हमें रिजल्ट कैसे मिल सकता है? इसमें इसको हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, इसको रिलेट भी करूंगा, तो मैं यहीं पे थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा कि अगर एफर्ट्स आवाज कट रही है। नहीं नहीं सर, सर मैंने क्वेश्चन था, सॉरी, आप कर बात करें। अगर हमारा मेन एम एफर्ट्स हो रिजल्ट्स ना हो तो फिर हमारा काम करने का स्टाइल और होगा। जब हमारा ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस होगा, हमारा एफर्ट्स पे नहीं होगा, तब हमारा काम करने का स्टाइल और होगा, हम जुगाड़ भी लगा लेंगे, किसी तरह भी काम हो जाए हो जाए। तो बेसिकली आपने जो क्वेश्चन किया था ना वो एफर्ट्स जो हैं जब तक रिजल्ट्स पे फोकस नहीं होगा तो रिजल्ट्स को सामने रखना है, इग्नोर नहीं करना। मैं आगे इसको डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि रिजल्ट्स को हमने सामने तो जरूर रखना है लेकिन रिजल्ट्स को गोल में कन्वर्ट नहीं करना, रिजल्ट्स को ही फोकस नहीं करना। फोकस हमारा हमारी अटेंशन जो है वो एफर्ट्स पे होनी चाहिए, गोल्स ऑटोमेटिकली अचीव हो जाते हैं। और ये आगे जाके मैं आप लोगों को इंशाल्लाह रियलाइज करूंगा कि जो गोल्स हमने सेट किए होते हैं बाज़ तो हमारे गोल्स नहीं होते, गोल्स रिजल्ट्स जो हैं वो कंट्रोल करने वाला कोई और है, वो कैसे कंट्रोल करता है इसकी पूरी फिलॉसफी समझाऊंगा, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और कोई क्वेश्चन था? नहीं नहीं सर, मुझे अपना आंसर मिल गया। आपने जैसे कहा कि एफर्ट्स में हमें फोकस करना चाहिए गोल पर नहीं, बस मुझे आंसर मिल गया। गुड। अच्छा अब आ जाए एक पिक्चर और है आपके साथ, एक दो पिक्चर्स लेंगे बस खत्म हो गए, ये पिक्चर से ये मतलब इस पिक्चर के अंदर देखिए एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, क्या आप में से कोई अब भी जाके पार्क में ऐसे एंजॉय कर सकता है? ये करता है? नो सर। सर इक्का दुक्का जाएंगे, जिसने यस कहा है वो भी यहाँ यस कहेंगे, पार्क में चले जाएंगे जब उसकी कोई भी फ्रेंड होगा या गर्ल या वो बॉय या कोई भी दोस्त यार कजन मजन खाला मामू कोई भी खड़े हो तो कहेगा क्या बच्चा है और बन गया हो क्या भाई, बड़े हो गए हो, झूला झूल रहे हो, जो कह रहे हैं मैं एंजॉय करता हूँ वो तब भी एंजॉय करेगा रात के अंधेरे में या कोई ना हो, ऐसा है कि नहीं? लेकिन सबके सामने सारी फैमिली मेंबर्स हो फिर भी जाके एंजॉय कर ले, आप में से कोई नहीं होगा? मुझे नहीं ख्याल होगा सर। बिल्कुल हूँ, मैं हूँ। हाँ ऐसे ही एंजॉय करती हूँ, पूरी फैमिली के सामने करती हूँ, कोई भी ये भी नहीं बोलता कि ये बच्चा है या बचपन है इसमें। आप कराची से थोड़ी है? हाँ मैं कराची से नहीं हूँ।
मैंने कराची में 11 साल गुजारे। अब जो लोग इंजॉय करते हैं बेसिकली वो अपनी जिंदगी जीते हैं किसी न किसी एंगल से, और जो लोग दूसरों की पाबंदियां लगी हुई जिंदगी जीते हैं ना, मैं ये नहीं कहता सारी पाबंदियां खत्म कर दें, हम माशरे की और इन्वायरमेंट की सोसाइटी की बनाई हुई बाउंड्रीज के अंदर अपने आप को बंद कर देते हैं। होता यह है कि आईने में हम कोई और दिखते हैं और आईने के पीछे हम कोई और होते हैं। तो हमारे जो अंदर का बच्चा है या हमारे के अंदर का इंसान है जो कभी कभी अकेले बैठ के रोता है तो काश मैं भी ऐसे झूला, उसका दिल करता है लेकिन झूलता नहीं, दिल करता है एंजॉय करने का लाइफ को क्योंकि उसने अपने ऊपर को बनी इतनी लगाई होती। तो क्यों, अब आप वही वाला सेंटेंस जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि यू विल नेवर विन, आप कभी नहीं जीत सकते जब अपनी जिंदगी जीने के बजाय दूसरों की जिंदगी जीने शुरू, दूसरे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो बार एक बहुत बड़ा चेंज ये भी आता है, ये सारे चेंजेस को मैं कंक्लूड करूं। नेक्स्ट पिक्चर, हु विल कमेंट, इस पे कमेंट कौन करेगा? इन ये आपके सामने चार बच्चे हैं, एक बड़ा है, बड़ी है, ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये आपके पास सामने चार बच्चे हैं, एक छोटा है, और ये सारे एक हेल्प कर रही है गेम खेलने में छोटी बच्ची की, बाकी तीनों खेल रहे हैं। तो इस पिक्चर में क्या है सर? ये जो सबसे छोटी बच्ची, सर ये जो सबसे छोटी बच्ची है ना, मतलब उसको खेलना नहीं आता, दैट्स व्हाई उसकी जो टीचर है वो उसको सिखा रही है, और जो दो है वो उसको, एक खुद ही कर रहा है और जो दूसरा वाला है वो देख देख के कर रहा है उस बच्ची को। ऐसा है कि जो छोटी, ये दरमियान वाला देख रहा है कि वो मुझे ना क्रॉस कर ले, और वो जल्दी में है कि मैं जल्दी से जल्दी अपना टास्क कंप्लीट कर दूं। और कोई सर ऐसा ही है कि छोटी बच्ची एंजॉय कर रही है, जो सेंटर वाला है वो देख रहा है कि वो जल्दी जल्दी बना रही है, वो जल्दी जल्दी में बना रहा था कि मैं हार ना जाऊं, उसका फोकस अपनी जीत पे। उसका लड़की का छोटी का फोकस है अपनी गेम पे, उसको एंजॉय कर रही है। जो लेफ्ट वाली ब्लैक शर्ट में लड़की है वो भी अपनी मस्ती में लगी हुई है। कौन बोल रहे हैं? अमाद सर। अमाद ये बताओ आपका अपना फोकस किस चीज पे? मेरा फोकस सर, मेरा फोकस फिलहाल जो है, जो मैं करना चाह रहा हूँ वो मैं जाना चाह रहा हूँ एप्पल में। एप्पल तो उस लिहाज से मैं कर रहा हूँ काम, तो उस लिहाज से ही मैं चीजें। तो अब आपका मेन गोल पे फोकस है या एफर्ट्स पे? सर मेरा एफर्ट पे फोकस है। एक होता है लाफ लव और लाफ अट्रैक्शन। लाफ लव ये होता है कि आपको अपने काम से मोहब्बत होती है, अपना काम दिल से करते हैं तो आप खुद ब खुद अचीवमेंट आपके पास आते ही जाते हैं। लेकिन दूसरी, अगर मैं अपना लाफ अट्रैक्शन करूं, मैं एप्पल में जाना चाहूं लेकिन मेरा ध्यान उधर है, मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा, मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा एप्पल में। बट लाफ लव जो है वो उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ, अट्रैक्शन अभी नहीं मैं दे रहा हूँ अपने काम से। मैं काम No? बस ये गिने चुने स्टूडेंट्स हैं, अमाद है, फिजा है, नयाब है। सर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में जाना चाह रहा हूँ बेसिकली। जी सर, आई वांट टू गो टू द प्रैक्टिकल लाइफ एंड लिव द प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ तो सारी की सारी अब भी प्रैक्टिकल लाइफ ही है, यानी लाइफ तो सारी की सारी की प्रैक्टिस है, कुछ भी। सर ये भी तो स्टडी, स्टडी भी प्रैक्टिकल लाइफ है भाई। कल को भी जाके यही कुछ करना है जो भी आप स्टडी में कर रहे हैं, वहाँ भी असाइनमेंट्स मिलती हैं। मुझे भी अभी एक मेरे बॉस की कॉल आ रही थी दूसरी कंपनी से, उन्होंने एक असाइनमेंट दी है, वो करनी है मैंने। आप लोगों को मैं असाइनमेंट देता हूँ, मुझे असाइनमेंट देता हूँ। अच्छा चलें इस पिक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो चीज़ें ज़्यादा कवर करनी है। इस पिक्चर में बेसिकली जो चीज़ें दिखानी है, आप लोगों ने अच्छा हाईलाइट किया। देखिए हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स दूसरों की जीत पे फोकस करते हैं, दूसरों की लाइफ पे फोकस करते हैं, अपनी गेम को एंजॉय नहीं करते। और दूसरा, हम अपनी गेम को एंजॉय करने के चक्कर में किसी की हेल्प नहीं करते। हम कहते हैं बस मेरी जिंदगी और मेरी गेम और मेरा मजा, मेरा लुत्फ, बस मैंने किसी के, जब देखिए जैसे उसकी टीचर है या उसकी बड़ी बहन है, बड़ी सिस्टर है, उसकी हेल्प कर दी, बेसिकली उसके हेल्प करने को एंजॉय कर दी। तो जरूरी नहीं है कि इंसान जिंदगी में गेम खेल के एंजॉय करे, गेम खेलने वालों की हेल्प करके भी एंजॉय कर सकते। और मेन जो पिक्चर यहाँ ऐड करने का मेरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम अपनी लाइफ में दूसरों को कॉपी करें, उस कॉपी करने के चक्कर में हम जितनी एफर्ट्स कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते, और रिजल्ट जो है जितनी हमारी एफर्ट्स की बेस पर हमें अचीव होना चाहिए वो भी अचीव नहीं, हम बहुत पीछे रह जाते हैं। एक पिक्चर
टेंशन फ्री। यस सर। आप में से कोई है एक दफा मैं क्लास में ये पिक्चर मैंने दिखाई, एक और पिक्चर दिखाई थी, ये तो बड़ा जरा सा काम रिलैक्स है, वो तो ज्यादा ही रिलैक्स थी। तो ये जो बच्चा है ये रिलैक्स है, तो आप में से मुझे जवाब नहीं देना क्योंकि मैं अगली जो डिस्कशन करूंगा फिर आप जवाब वापस ले लेंगे। तो मुझे ना बताएं, आप लोग खुद अपने दिल में सोचें और अपने आप से बात करें, आप में से कोई रिलैक्स है इस तरह जैसे ये बच्चा है। एक दफा ऐसे हुआ कि मैं क्लास में ये पिक्चर दिखाई और मैंने स्टूडेंट से कहा कि आप में से कोई इस बच्चे की तरह रिलैक्स है, तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया। तो मैंने कहा हाथ नीचे कर लो कोई देख लेगा, उसने फौरन हाथ नीचे कर लिया। तो मैंने कहा अगर इसका बिस्तर गीला हो जाता है टेंशन फ्री, आप में से ऐसा कोई है? उसने हाथ फौरन और भी नीचे कर लिया कि सर ऐसा तो कुछ नहीं, इसको कोई परवाह नहीं, इसकी बिस्तर गीला हो जाए कुछ भी हो सकता है, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, इसको कोई टेंशन नहीं। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, कटर क्यों लगाया? वही बात है इसके में। अच्छा अब आप देखिए कि आपके सामने ये बच्चा है, इस बच्चे में और आप में क्या फर्क है? ये टेंशन फ्री है और आप में सिर्फ कोई एक भी नहीं होगा जो टेंशन फ्री है 100% जैसे ये बच्चा है। फर्क क्या है आप में और इस बच्चे? एज डिफरेंस है सर, वो बहुत छोटा है अभी, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है फिलहाल, तो अब तो नहीं है ऐसा होगा। आप रिजल्ट्स को जानते हैं, इसको पता नहीं गीला होने से क्या होगा, मम्मा साफ कर दी क्या होगा, रो पड़ूंगा मम्मा आएंगी उठाएंगी डूडू डूडू जो भी कहूंगा मम्मा आके पेश कर दी, टेंशन भी मसला कोई नहीं, और जो मसला होगा वो मम्मा का होगा मेरा थोड़ी होगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि मसला मेरा होगा, मैं असाइनमेंट सब नहीं कराऊंगा तो मेरे ग्रेड नीचे चले, मैं प्रोजेक्ट नहीं करूंगी तो मेरे ग्रेड नीचे चले, मैं इस कोर्स में फोकस करूंगी इस कोर्स में डिफिकल्ट है ये करूंगी वो करूंगा, प्रैक्टिकल लाइफ में ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, ये इस सारे चीजों को आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है किसी न किसी एंगल से, किसी न किसी एंगल से आप इसकी इन्फॉर्मेशन दे मेच्योर है, आपको मेच्योरिटी है, उस मेच्योरिटी की बेस पर आप रिजल्ट्स पे फोकस करके आप टेंशन फ्री हैं। ये बच्चा टेंशन, तो इसका मतलब है कि लाइफ में जितना नॉलेज आता है टेंशन भी लाती है, और जितनी इंफॉर्मेशन आती है वो टेंशन लाती है सुकून भी लाती है। जब आपको पता हो रिजल्ट्स ये वाले नेगेटिव नहीं होंगे पॉजिटिव होंगे तो खुशी होगी और काम खत्म हो जाएगा। तो इस पे एक छोटी सी एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ मैं आप लोगों से, तो वो एग्जाम्पल इससे थोड़ी रिलेट कर रही है। तो पिक्चर अच्छी लग रही है आप लोगों को, कैसी है आप लोगों के बचपन की है? नहीं सर एक सिनेरियो उस पर डिस्कशन करते हैं और उस सिनेरियो को इंशाल्लाह आपकी इसी के साथ लिंक करते हैं जो प्रीवियस पिक्चर आपके सामने थी। ये टेंशन फ्री, टेंशन है कि नहीं है और टेंशन फ्री है कि नहीं, देखें जिसकी आवाज मतलब जिस तरह कहते हैं ना आलू ले लो प्याज ले लो आएगी तो मैं रिमूव कर दूंगा, नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट पे भी मैं ऐड नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस मामले में सीरियस हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों की लाइफ के बारे में आप लोगों की स्टडी के बारे में सीरियस हूँ। अगर कोई है ऐसा नॉन सीरियस पर्सनैलिटी तो आप लोग उसे हाईलाइट भी करें और मैं सभी नहीं करें ताकि आप लोगों को डिस्टर्ब ना करें, वरना ये होता है कि जो एक डिस्कशन चल रही होती है उसका फ्लो खत्म हो जाता है, फिर आप लोग उस चीज़ को प्रॉपर डिस्कस नहीं कर सकते, आप उसको भी एक स्पेस पर जाते हैं तो आप वापस कहीं और जाना पड़ता है, ट्रैक से चेंज हो जाएंगे। तो बहरहाल मैं आपसे डिस्कस ही कर रहा था ये पिक्चर टेंशन फ्री। अभी आप लोगों को मैं बालाकोट ले जाता हूँ, आपको पता है मैं बेसिकली बालाकोट और बालाकोट में बालाकोट से आगे चले जाएं तो 23 किलोमीटर आगे केवाई है, तो केवाई में जो है एक आबशार है, उस आबशार के सामने ना चारपाइयां डाली हुई हैं, जहाँ चारपाइयों पे बेंच हैं उस पर आप बैठ जाएं तो आपके पाँव जो है ना पानी में होते हैं और सामने जो है ना वो आबशार के साथ एक पकौड़े बना रहे हैं। अच्छा अभी
आपके सामने जो है ना वो बंदे ने समोसे ला के रखे हैं गर्मा गर्म, तो आपने समोसा तोड़ा है और समोसा जब तोड़े तो गर्म हो तो अंदर से भाप निकल रही होती है, और आपने मुंह के पास किया बहुत ज्यादा गर्म था, फूके मार रहे हैं, और उधर से उसने पकौड़े जो हैं वो तेल में डाले हैं, उसकी खुशबू आपको आ रही है, चाट मसाला उसमें डाल के किसी और को सर्व किया, और आप लोग टूर पे गए हुए हैं और इस्लामिक स्टडी का जो है आप लोगों ने फाइनल एग्जाम दिया है, रिजल्ट अभी नहीं आया था, सर ने रिजल्ट अपलोड करने हैं और पता नहीं है क्या रिजल्ट आने हैं, और आप लोग इंजॉय कर रहे हैं, आप फिर पाँव पानी में हैं और आप लोग रिलैक्स इंजॉय कर रहे हैं, और सामने से आबशार की फवार आ रही है, जैसे फ्रीजर को खोलें तो ठंडी ठंडी हवा आती है ऐसे आ रही है, और आप लोग इंजॉय कर रहे हैं। एक आपने मोबाइल जो है टेबल पे सामने रखा हुआ, एक मैसेज आता है और उसमें सर ने जो है आपके मार्क्स रिलीज कर, और सारे का सारा पेपर जो था वो सब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो आपको खबर मिलती है कि आप इस्लामिक स्टडी में 44.5 लेके फेल हो, खुशी रहेगी खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हो जाएगी सर। ये बताएं वो समोसे सामने रखा हुआ नहीं रखा हुआ, पकौड़े की खुशबू वही आ रही है, पांव का पानी वही ठंडा, फवार आबशार की जो फवार आ रही है, ठंडी हवा रही, सब कुछ वही है, तो खुशी कहाँ चलेगी सर? फिर भी उसको खाने को दिल नहीं करेगा जी, वजह रीजन पूछ रहा हूँ, रीजन पूछ रहा हूँ, टेंशन टेंशन है ना, टेंशन टेंशन कहाँ से आ गई? डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट। अच्छा एक, अच्छा आप लोगों को तो टेंशन है, वो सामने वाले को जब मैसेज रिसीव हुआ उसने हुर्रो वाओ मैं इस्लामिक स्टडी में फेल हो गया, काम डन, मजा आ गया, तो ऐसे करने वाले भी होंगे, ऐसा भी होगा? नहीं सर, मैं बताता हूँ होगा, अभी बताता हूँ कौन है वो। ऐसा था कि उसकी, वो था उसकी मामा बाबा थे कतर में, और कतर में पड़ती है बहुत ज्यादा गर्मी, तो मामा बाबा ने कहा कि तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर है, कोर्स पढ़ो, आ जाओ और यहाँ आ जाओ, तो उसने जानबूझकर इतने कम मार्क्स लिए थे कि फेल हो जाओ, नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर पाकिस्तान में रहूंगा, उसने प्लान किया था। अब उसको जब खबर मिली कि मैं फेल हो गया हूँ, तो उसने तो छलांगे लगाई, वाह कामयाब हो गया, सक्सेस, बिल्कुल 47 पे फेल हो गया यार, मजा आ गया, सर ने जो है मार्क्स भी नहीं दिए, वो फेल हो गया, एंजॉय करेगा, छलांगे मारेगा, दो पकौड़े और लेके आ, समोसे भी लेके आ, ये भी लेके आ गया, और इधर बाकी लोग जो है टेंशन में बैठे मुंह लटके होंगे। तो इसमें ये जो टेंशन है ना बेसिकली चीजों से नहीं होती, जो मैंने पहले डिस्कस किया था, रिलेशनशिप, आपकी अटेंशन, आपका माइंड जहाँ चल रहा होगा, आपके माइंड की कनेक्टिविटी जिस चीज के साथ है, टेंशन वो चीज क्रिएट करे, खुशी भी वो चीज क्रिएट करे। देखिए अब आप लोग देखिए कि लोग चीजों में खुशियां तलाश करते हैं, लोग चीजों के थ्रू अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, अगर चीज में खुशी है, चीजें आपको रिलैक्स कर सकती हैं, तो समोसा तो अब भी है, पकौड़े तो अब भी आ रहे हैं, दोस्त तो अब भी डिस्कशन कर रहे हैं, पानी तो अब भी वही ठंडा है, आबशार की फवार तो अब भी है, तो खुशी कहाँ चलेगी? खुशी इन चीजों में नहीं है, खुशी आपके अपने माइंड में, खुशी आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है उनमें, अगर वो इंफॉर्मेशन बुरी है तो आपकी लाइफ बुरी हो जाए, बैठे बैठे बुरी हो जाए, वो इंफॉर्मेशन अच्छी है। अच्छा इसी तरह आप बोर बैठी हुई थी या बोर बैठे हुए थे, बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहे थे, क्योंकि 23 किलोमीटर जो है ना नाकाबंदी था, अभी मैं गया था बालाकोट मानसेरे तक, मोटरवे बन गई है, मेरी फैमिली वहाँ नहीं, फैमिली मेरे पास लाहौर में ही है, मैं 8 साल से लाहौर में रह रहा हूँ, तो बहरहाल वहाँ पे हम अपने भाइयों से मिलने गया था, ऊपर चले गए हम लोग, तो नाके लगाए हुए हैं, 2-3 दिन घंटे लग जाते हैं, तो मेरा मैंने बात की वहाँ इलाके के लोगों से, मेरे भाइयों को जानने वाले हैं, तो आराम से छोड़ दिया, तो बहरहाल आप इतने थक हार के वहाँ पहुँचे, 4-5 घंटे नाकों पर खड़े हैं, और टेंस किया हुआ है, आप जाके वहाँ बैठ गए टेंशन में, और इतने ना पकौड़े अच्छे लग रहे हैं, ना समोसे अच्छे लग रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगा, बाकी सारे इन्जॉय कर रहे हैं और आपका बिल्कुल मुँह सूजा हुआ, और इसी दौरान आपको खबर मिलती है कि आपके इस्लामिक स्टडी में मार्क्स हैं 95%। वाओ आपकी खुशी के क्या आलम होंगे, सब समोसे भी अच्छे लगेंगे, फिर पकौड़े भी अच्छे लगेंगे, फिर जूस भी मंगवाएंगे, बोतल भी मंगवाएंगे, फिर व्यू ना किया क्या दिया ना, वो सब कुछ चलेगा आपने, ऐसा है कि नहीं? Yes, sir. तो अब आपको लोगों की लाइफ में जो चेंज आता है, ये सारी डिस्कशन जो की है, इस चेंज के पीछे सोचने की कोशिश करो, बिहाइंड द सीन चेक करो, बिहाइंड द सीन हो क्या, ये चेंज आ कैसे रहा, इस चेंज को ऑब्जर्व करो, तो बिहाइंड द पिक्चर क्या है, बिहाइंड द सीन है क्या, इस पे हम इंशाल्लाह जो है हम डिस्कस करेंगे, तो बिहाइंड द सीन क्या। इसमें मैं आप लोगों से कुरान से 4 एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा, कि जो फ्रंट पिक्चर का हमें दिखता है वो और होता है, बिहाइंड द सीन जो पिक्चर है वो चेंज हो जाती है, वैसे नहीं होती जैसे हमें दिखती है,
बताएं बिहाइंड द सीन और फ्रंट ऑफ द पिक्चर, इसमें कोई चेंज होता है? ये जो पिक्चर दिखती है वही होती है जी? चेंज होता है सर, चेंज होता है। चलें एक कभी-कभी वही होती है, यस सर चेंज होते हैं, चेंज होता है। आपसे ना दो सिनेरियो डिस्कस करता हूं। अभी कितना टाइम आप लोगों का बाकी है? जिंदगी तो काफी बाकी है आप लोगों की, लेक्चर की बात 4:25 है तो 35 मिनट्स नहीं, 5 मिनट्स तो नहीं है भाई, 45 तक नहीं, 35 सर, 35 मिनट्स है हमारे पास, नहीं 35 नहीं 45 सर, 5 o'clock लिखा हुआ, 5 o'clock गलत लिखा हुआ, 15 मिनट्स की ब्रेक होती है और 45 है, और 45 है उसी के अंदर अंदर कंक्लूड करूंगा। तो दो एग्जांपल्स आप लोगों से डिस्कस करूंगा, एक एग्जांपल तो बिहाइंड द पिक्चर पे जो चीज में शो करूंगा ना उससे रेलेवेंट है, और फर्स्ट जो एग्जांपल है जो सिनेरियो है वो बेसिकली आप लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ से है, बिहाइंड द सीन होता क्या है। कभी आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व नहीं किया लेकिन मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, मैंने ऑब्जर्व किया है और मैं उन एग्जाम्पल्स को आपसे डिस्कस भी कर सकता हूँ, लेकिन एक कॉमन सी एग्जाम्पल बनाई हुई है जिसको समझना सब स्टूडेंट्स के लिए आसान होता है, उसको आप लोगों से डिस्कस करूंगा, फिर मैं पर्सनल लाइफ से लोगों की लाइफ से कुछ चीजें और भी ऐड कर दूंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा दो भाई हैं, एक स्टोरी है, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को प्रॉपर? बहुत सारे जिंदा है माशाल्लाह। अच्छा दो भाई हैं, एक भाई जो है जॉब करता है और उसकी सैलरी कम है, उसकी बेगम साहिबा हैं, दो बच्चे हैं चुन्ने मुन्ने से, एक बच्चा जो है 4 साल का है, एक बच्चा जो है वो 1.5 साल का है, और छोटा जो देवर है भाभी का, भाभी हैं घर में, और एक जो है उसकी छोटी बहन है उनकी आपी जान है, जो बड़े भाई से छोटी हैं और छोटे भाई से बड़ी हैं। तो फैमिली मेम्बर्स हो गए दो भाई, एक शादीशुदा वो जॉब करता है, सेकंड जो छोटे बहन हैं वो जॉब नहीं करते, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और जगह जगह सीवी ड्रॉप करते हैं, कहीं जॉब मिल जाए, जॉब मिली नहीं है, दोस्तों यारों के साथ टाइम गुजारते हैं, बस जुगाड़ लगाने के चक्कर में कहीं जॉब मिल जाए, बस घर बगल लगे रहते हैं। तो साथ में भाई की सीवी भी ड्रॉप करते हैं कि जहाँ मेरी जॉब लगे वहाँ भाई की भी लगे, ताकि भाई की जान छूटे और अच्छी जॉब लग जाए, ताकि भाई को भी पैसा मिले, मुझे पैसा मिले और लाइफ को अच्छी तरह जी सके। और उनके फैमिली मेम्बर्स में एक उनकी भाभी और उनके दो बच्चे, और उसके अलावा उनकी एक बड़ी आपी और एक उनकी अम्मी है, और उनके बाबा की डेथ हो गई। ये सारे जो हैं हमारे इस स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं। अच्छा होता ये है कि वो जो छोटा भाई है वो इस्लामाबाद में सीवी फॉरवर्ड करता है अपनी और भाई की और दोस्तों की, तो वहाँ से लेटर आ जाता है कि इंटरव्यू कॉल करते हैं कि आप लोग इंटरव्यू देने के लिए इस्लामाबाद आ गए। अब उन्होंने लाहौर से इस्लामाबाद जाना, तो उसी वक्त भाई वो खुश हो जाता है और भाई को कॉल करता है कि भाई आ जाओ आप, आज भाई जल्दी आ जाइएगा, कल सुबह हमने सवेरे निकलना है और सुखेकी या सियाल और जो स्टाफ है वहाँ पे इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे और सवेरे निकल जाएंगे, तो लिहाजा आप रात 1-1.5 बजे तक ना आया करें, आज जल्दी आ। भाई ने कहा ठीक है, उसने तकरीबन 4:30-5 बजे कॉल की, तो भाई ने कहा ठीक है मैं जल्दी निकलने की कोशिश करूँगा, और वो घर आ गया। और भाई जो है कोशिश करते करते ना करते भी 11:30-11 बज गए वापस आते, 11:30 बजे वो वापस घर की तरफ आ रहे थे भाई, बड़े भाई। रास्ते में केले वाले को देखा तो अपने बेटे के लिए उसने वहाँ से 1 दर्जन केले पकड़े। अच्छा केले पकड़े, और ग्राउंड फ्लोर में मालिक मकान की रिहाइश है और फर्स्ट फ्लोर में ये फैमिली रहती है जिसके मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, और फर्स्ट फ्लोर पर सीढ़ियों पर जाती हैं, ऊपर बालकोनी है, आगे अंदर 2 कमरे किचन विचन टेरेस वगैरह सारा कुछ है। तो गाड़ी पार्क करने के लिए नीचे ओपन एरिया है, सीढ़ियों के सामने गाड़ी पार्क करते हैं, मेन रोड गेट खोलते हैं भाई, गाड़ी पार्क करते हैं, गाड़ी पार्क करके गेट बंद करके सीढ़ियों से चढ़ रहे होते हैं, तो सीढ़ियों के दरमियान में पहुंचते हैं, उन्हें याद आता है मैं भूल गया। क्या भूल गया भाई? केले गाड़ी में भूल गए। गुड, केले गाड़ी में भूल गए। अच्छा केले भूल गया, उन्होंने ख्याल आया कि अब 12 बज रहे हैं तो केले उठाऊं या ना उठाऊं, उन्होंने कहा कौन से अभी बच्चों ने खा लेने, बच्चे तो सो रहे हैं दोनों, तो सुबह ही उठा के दे दूंगा, कौन से खराब हो गए। चले गए जाके सो गए, तो सुबह जो है अलार्म बजना शुरू हुआ, छोटा भाई भैया उठो जल्दी करो लेट हो गए। अब वो शोर मचाया जा रहा है, कहता भाई उठता हूँ, आप जाओ गाड़ी स्टार्ट करो, और धुन बुन है, शीशा खराब होगा, थोड़ा शीशा वीशा साफ कर लो, पानी वानी मार लो, थोड़ा सा गाड़ी को फिट कर लो, सेट कर लो, तो मैं आता हूँ।
मैंने कहा भाई फौरन निकलो, नाश्ता यहाँ नहीं करना, भाभी को पहले बता दिया मैंने नाश्ता यहाँ नहीं करना, नाश्ता हमने सियाल मोड़ पे करना है, सियाल पे करना है या कलर का हार पे करना है, वहाँ नाश्ता करेंगे। और दोस्तों से मैंने कह दिया कि आप निकलो तो बस आपकी वेट कर रहे हैं, हम निकल जाएंगे। यतीम खाना चौक के बाद जो है हम जो है ईटे वहाँ जो भी है टू प्लाजा उस पर हम सब मिल जाएंगे। कहते ठीक है ओके। बार उठा भाई और छोटा भाई होता है। अच्छा छोटा भाई जो है उठा जाके गाड़ी स्टार्ट की और जाके आराम से बैठ गया। अब ना गेट खोला ना गाड़ी का शीशा साफ किया, कुछ भी नहीं किया। छोटा तो ठहरे, ये माइक बंद कर दें। अच्छा छोटे भाई ने जो है ना जाके बैठ गया, उसने गाड़ी का शीशा भी साफ नहीं किया, गेट भी नहीं खोला। अब बड़ा भाई ऊपर, अम्मी को हल्का फुल्का बुखार सा था, अम्मी उन्हें अलविदा कहने के लिए टेरेस पे आ गई, ऊपर से पीछे से बहन भी आ गई। और नीचे उतरा तो देखा गाड़ी का शीशा भी साफ नहीं है और गेट भी नहीं खुला। अब उसने वहां नीचे बाल्टी पड़ी हुई थी वो उठाई, गाड़ी का शीशा साफ किया। अब बाल्टी जो है बिल्कुल गाड़ी के सामने रखी हुई थी तो उसने साइड पे करने की कोशिश की, तो मामा ने कहा कि जाओ बेटा इसको छोड़ दो मैं उठा लूंगी। अच्छा वो गया गेट खोला वापस आया। अच्छा इस दौरान जो है छोटा भाई को लगी हुई थी भूख, नाश्ता तो किया कोई नहीं है, तो वो देख रहा था कि गाड़ी में कुछ पड़ा हो तो उसने गाड़ी में तलाशी वाशी ली कुछ खाने को मिल जाए। तो क्या मिल गया होगा उसको खाने को? केले। केले मिल गए तो उनको केले मिल गए, उसने केले उठाए खाए। केले गुड, केले उठाए और केले उठा के खाया केला। और इतनी देर में भाई आके बैठ गया, बड़ा भाई, ड्राइव उसने करना था। तो उस दौरान जो है इसने केले का छिलका फेंकने के लिए शीशा खोला तो बड़े भाई ने ऐसे करके कुनी मारी उसको, इशारा किया क्या कर रहे हो नीचे क्यों फेंक रहे हो? तो उसने कहा भाई गाड़ी चलाओ जल्दी करो, पहले ही लेट हो गया, उठा के केला सामने फेंक दिया सीढ़ियों के सामने। अब गाड़ी पीछे की रिवर्स और बाहर निकले। अब बड़े भाई ने जो है गाड़ी का गेट खोला ताकि मैं गेट बंद करूं, तो अम्मी ने ऊपर से इशारा किया बेटा जाओ लेट हो रहे हो, जैसे इशारे करती है माए माए होती है, तो उनने कहा इशारा किया जाओ मैं खुद गेट बंद कर दूँ, वो चले गए। अच्छा जब यतीम खाना चौक को क्रॉस किया और वहां पे टूल प्लाजा पे पहुंचे, वहाँ पे दोस्त और भी थे, चार पांच गाड़ियां थी, सारे दोस्त इकट्ठे जा रहे थे, तो ये भी वहाँ पे थे लेकिन अभी टूल प्लाजा क्रॉस नहीं किया था, लाइन में लगे हुए थे कि बाजी की कॉल आ गई कि अम्मी का बाजू टूट गया। कैसे टूटा होगा सर? वो केले से स्लिप हो, केले के स्पीकर से स्लिप हो के। अच्छा अब आप लोग लॉक करने के लिए नीचे आए थे, केले से स्लिप हो गई। क्या बात है, दरवाजा लॉक करने के लिए नीचे आए थे। क्या बात है, सब लोगों को पता है, आप लोग तो वहीं खड़े होते। अपने पास आप लोग लिख लें अच्छा हुआ या बुरा हुआ, फिर आप लोगों ने जो कह रहे अच्छा हुआ गुड, यानी आपकी अम्मी की भी नंबर देना भाई मुझे। आप कौन कह रहे अच्छा हुआ? लेकिन अल्लाह ने हो सकता है उसी तरह आपके हक में कुछ बेहतर लिखा हो। आप ही कह कौन रहा है अच्छा हुआ? सर मैं आप सर मैंने भी कहा अपनी मम्मा का नंबर। मैं भी मैं अपनी मम्मा का नंबर दें दोनों आप, मैं कॉल करके कहता हूँ अम्मी आप बाजू तोड़े हैं, आपकी बेटी और बेटा कह रहे हैं अच्छा हुआ, बहुत अच्छा होता है आप बाजू तोड़े। मगर सर इसके बाद एक पॉइंट ये आता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा गुड, कुछ कहते हैं अच्छा हुआ कुछ कहते हैं बुरा हुआ। आप लोग तो बड़े स्कॉलर हैं भाई, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप लोगों का रहता है, तो कुछ कहते हैं अच्छा हुआ कुछ कहते हैं बुरा हुआ। जो कहते हैं बुरा हुआ वो भी अपने पास लिख लें, जो कहते हैं अच्छा हुआ वो भी अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, गलती किसकी है? छोटे भाई बच्चों की, बड़े भाई की। सर बड़े भाई की गलती, दूसरा कहता है छोटे भाई की गलती है, गलती किसकी है बताओ? कोई भी कह रहे छोटे भाई की गलती, बड़े भाई की गलती, इसके अलावा किसी की गलती है इसमें? जिन्होंने देखा नहीं, जिन्होंने देखा नहीं सर मदर की, वो उसी टाइम उनको कहती है कि आप ये चीजें साइड पर रख के जाओ, तो ऐसा नहीं होता। तो फिर माँ कहाँ होती, आपकी मामा केयर करेंगे? देख के चलती सर, वो देख लेती केले को छिलके केले है। अब आप लोगों ने दोनों क्वेश्चन के आंसर अपने पास नोट कर लिए, हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, फिर आप लोगों को बिहाइंड द सीन दिखाऊंगा होता क्या, एक और एंगल, एक और स्टोरी, एक और सीन आपसे डिस्कस करूंगा जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में होता है।
अच्छा हुआ ये कि वो वहां से उन्होंने टूल प्लाजा से आगे ना, टूल प्लाजा से पहले कट है, अगर आप में से जो लोग इस्लामाबाद जाते रहते हैं उनको आइडिया होगा। तो मैं तो बहुत सफर किया, 67,000 किलोमीटर एक छोड़ों में मैंने गाड़ी चलाई। तो बहरहाल जो है वो वहां से वापस मुड़े, और वापस मुड़े तो घर आके पहुंचे, और घर आके पहुंचे मामा की पट्टी वट्टी के लिए लेके गए, बड़ा और छोटा भाई शर्मिंदा भी हो रहा था, दुखी दुखी सा भी हो रहा था। तो उधर से कॉल आई कि भाई अच्छा हुआ तुम वापस चले गए, कि टूर प्लाजा पे बम ब्लास्ट हुआ है, और जहाँ पे हम लाइन में खड़े थे ना, तो आपके पीछे वाले जो दोस्त थे वो तीनों मारे। देखा, मैंने कहा था ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने कहा था ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। कौन कह रही है? मैंने कहा था जो होता है अच्छे के लिए। राबिल मलिक, अच्छा नहीं था ना जी? माँ ने भी यही कहा होगा कि जो अच्छे के लिए होता है, इसीलिए शायद मुझे कुछ हो गया। आगे चलते आगे चलते हैं आगे चलते हैं। अभी तो आप लोगों को ना जिन्होंने कहा था कि बुरा हुआ वो अब कहेंगे अच्छा हुआ, और जिन्होंने कहा था अच्छा हुआ वो आगे कहेंगे बुरा हुआ। बहुत कुछ चेंज करेंगे लाइफ में, ऐसा ही होता है। आगे चलते हैं, थोड़ा स्टोरी में थोड़ा सा और कुछ एडिशन करते हैं। अच्छा अब जरा हम स्टोरी पहले हम आगे लेके जाने के बजाय थोड़ा पिछला हम देखते हैं सीन लाइफ के जो इनकी लाइफ में होते रहे। जब बाबा जिंदा थे, जब बाबा जिंदा थे तो बड़ा बेटा जो था, तो जो भी कोई चीज खाता था तो बाबा कहते थे बेटा ये रैपर उठा के डस्टबिन में फेंको, छिलका उठा के डस्टबिन में फेंको, ये करो वो करो वो करो। तो बाबा की हर बात मानता था और इस तरह वो अच्छी तरबियत पाता था। और छोटा बेटा था ये अम्मी का लाडला, और जो चीज भी खाता तो वो उससे लेके कहती बड़े बेटे को, बेटा फेंक दो ना, बेटा ये कर दो ना, बेटा वो कर दो ना। वो कोई चीज नीचे फेंक देता उसको कहने के बजे बड़े बेटे से कहती आप करो, आप ही से कहती थी आप करो। अच्छा अब आप देखते चले जाएं कि बाप के इंतकाल हो गया, बड़ा बेटा बड़ा हो गया, छोटा भी बड़ा हो गया, जॉब के काबिल हो गया। अब आप देखें गलती किसकी है, सिर्फ छोटे भाई की, बड़े भाई की, या मामा की भी है? मामा की भी। मामा की भी। मामा की गलती क्या है कि उन्होंने तरबियत गलत की। बड़े भाई की गलती क्या है कि उन्होंने केले उठा के नहीं देखे, सुस्ती का मुजाहरा। छोटे भाई की गलती है कि उन्होंने केले फेंके। अब आप बताएं कोई भी इंसिडेंट होता है आपकी लाइफ में, गलती एक की होती है बहुत सारों की, मल्टीपल करते हैं, बहुत सारों के। हम ब्लेम किसको करते हैं? जो हमें नजर आता है, जो हमें दूसरों में से भी वो जो दिखता है हम ब्लेम उसको करते हैं। कभी हम बिहाइंड द सीन समझने की कोशिश करते हैं? कभी नहीं कोशिश करते। आगे जो फोर एग्जांपल्स हैं ये कुरान से हैं, कभी इस एंगल से आपको ना तफसीर में मिलेगा ना कोई पढ़ाएगा। ये मेरा दावा नहीं है, लेकिन जितनी मेरी स्टडी है उसके अकॉर्डिंग ये चीज आपको नहीं मिलेगी, गारंटी से कहता हूं। तो आगे जो आपकी स्टोरी है वो मैं आपको फोर एग्जांपल्स कुरान से दूंगा, आज नहीं दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। आज है एक नया सिनेरियो, एक और सिनेरियो। आप में से कौन है जो मेरे साथ दोस्ती करेगा लड़कों में से? भाई बेटियां मेरी बेटियां हैं। मैं जी। यस सर। बता दो भाई। Yes, sir. तो हम नाम बताओ ना भाई। अच्छा अब आप देखें अली अजीज भाई जो है, अभी मैं अली अजीज को जो है अपने साथ दोस्ती जारी करनी है ना भाई, तो फिर आगे जाके कुछ भी हो जाए इनके साथ क्या होगा क्या सीन होगा। अच्छा अब आपने ये पाइप बंद कर दो। जी गुड। अली अजीज ऐसे हुआ कि मैं लेक्चर ले रहा था और पुलिस वाले आए क्लासरूम में और कहा सर अखलाक कौन है? मैंने कहा इन्हें उनका ओके। और कहा अली अजीज कौन है? आपका दोस्त जिसने कहा था ना सारा मुझसे दोस्ती कर लो। तो मैंने तो नहीं बताया, तो बाकी आपके दोस्त है ना जियाले जो किसी वक्त भी मुश्किल में डाल सकते हैं, उनने सबने बता दिया अली अजीज। अब अली अजीज आपको और मुझे पुलिस वाले पकड़ के ले गए, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है? अभी पहले वाली स्टोरी से लिंक ना कीजिएगा, आगे बहुत कुछ होने वाला। मैंने पूछा उनसे भाई सर अगर आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की होगी तो अच्छा होगा यार, आप मेरे साथ आप भी शामिल हो कुछ तो ख्याल कर भाई। अच्छा जब वो लेके जाना चाह रहे थे, अली जो है ना ये हेजिटेट कर रहा है और इंसिस्ट कर रहा है मुझे क्यों लेके जा रहा हूँ, मेरे क्या गलती है, आई एम स्टूडेंट,
मैं भाई क्यों मुझे तंग कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ अली चलो यार ना तंग करो जाने दो, और मैं फटाफट निकल गया। मैं कहता हूँ अली तू भी आ जा। अली कह रहे यार अजीब टीचर है मेरा, अजीब सर है, पुलिस वाले लेके जा रहे हैं आगे से, इंसिस्ट भी नहीं कर रहा, कह रहे जाओ जाओ जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। पुलिस वाले को कह रहे जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो लगाओ हथकड़ी और लेके जाओ। पुलिस वाले ने हथकड़ी लगाई बैठा। अब अली का मुंह बना हुआ है और मैं मजे से बैठा हूँ। अच्छा जब ये गया वहां पे उधर थाने में गए तो लॉकर की चाबियां मैंने उससे कहा, पुलिस वाले से चाबियां कहाँ यार, तो उसने कहा ये चाबियां। मैंने ताला खोला, मैंने कहा अली आओ यार अंदर चले। क्या सारा ठीक है यार, एक तो ताला खुद खोल रहे हैं खुद लॉक में जा रहे हैं, पूछे तो सही जुर्म क्या है, तो भाई देखा जाएगा बाद में जुर्म क्या है, आ जाओ अंदर। अच्छा मैं अंदर चला गया तो फिर उसने कहा, उसने मुझसे कहा कि आपके बड़े भाई का नंबर क्या है। मैंने नंबर नोट करा दिया, मैंने कहा कर ले कॉल भाई। और अली से पूछा आपकी, अली आपकी शादी होगी या नहीं हुई अभी? अली गाली होगी सर जी, होगी होगी सर, होगी शादी होगी, बाद में उठ करते टाइम लगता है। अच्छा अली के ना पेरेंट्स को कॉल की, पेरेंट्स का नंबर लिया, अली पहले नंबर ही नहीं दे रहा। मैंने कहा यार दे दे क्यों सर खा रहा है भाई, ये पुलिस वाले नहीं छोड़ते किसी को। तो ये टेंस होकर ना कौन है बैठा हुआ है, आज मेरी बेगम क्या सोचेगी, बच्चे पता नहीं है कि नहीं, वो क्या सोचेंगे, आज मैं दाल खानी पड़ेगी जेल में, या अल्लाह क्या मसला हो गया, ये सर के साथ दोस्ती महंगी पड़ गई। तो मैंने कहा भाई दे दे पेरेंट्स का नंबर, अम्मी अब्बू का नंबर दे दे ना कर। तो उसने कहा चलो भाई नंबर दे ही देता हूँ। अच्छा नंबर दे दिया, ओके मंजर बतूल लगा दूंगा। अच्छा नंबर दे दिया, अब जब नंबर दे दिया उन्होंने नंबर पर रबता किया, मेरे भाई से रबता किया, भाई आपका भाई जो है इस तरह की एक्टिविटीज में पकड़ा गया है, तो आज ही अपने भाई की जमानत करा लें, नहीं तो ये 5-6 दिन तो यही है, नहीं तो अगले 6 महीने भी यही रहेगा, और इसका गेटा बेटा सब जो है अलकायदा वालों से मिलता जुलता है, इसकी खैर नहीं है। और जो दूसरा इसका दोस्त है ना, क्या नाम बताया था भाई, अली अजीज, हाँ उसने कहा, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, उन्होंने कहा अली अजीज है, इसको भी यही हाल होगा। अब अली अजीज सुन रहे हैं पसीने छूट रहे हैं, अब अली अजीज कह रहा है यार ये क्या मुसीबत में पड़ गए। और उसके मामा पापा को कॉल की, मामा पापा ने कहा हमारा बेटा मासूम सा बेटा, उसको क्यों पकड़ के ले गया भाई, क्या जुर्म किया उसने, यूएमटी में दाखला लेने का, अगली डिग्री हासिल करने का ये सिला दिया आपने, क्या कौन सा सारे इस्लामिक स्टडी वाला, कोई सालिम इस्लामिक स्टडी वाले ने, मुझे पहले ही पता था इसका गेटअप ठीक नहीं है, बड़ा गर्व हो गया भाई। अब वो पेरेंट्स भी पहुंच गए उसके और मेरा भाई भी पहुंच गया। अब पुलिस वाले के सामने ये कहने कहा मुझसे मिले क्या हुआ, मैंने कुछ पता नहीं पकड़ के ले आए हैं, ला के बंद कर दिया, पता कुछ नहीं है। तो कहने लगे हाँ भाई पुलिस वाला जो पकड़ के लेके आया था, क्या मसला है? ये सर बड़ा सीवियर किस्म का इशू है, ये 6 महीने तो कहीं नहीं गए हुए और आगे पता नहीं कब तक ये भुगते रहेंगे यहाँ पे, और एजेंसीज ने कुछ इन्वॉल्व होकर ये सारा कुछ किया, हमें कुछ पता नहीं केस क्या है। अच्छा तो दूसरे पुलिस वाले ने साइड पे करके कहा अंकल कुछ कर लें काम बन जाएगा, क्या कहते होते हैं पुलिस वाले भाई, ऐसे ही करते नहीं करते? चाय पानी गुड। पिछली मैं इस में पढ़ा रहा था तो एक मेरे स्टूडेंट्स थे, उनके वाले साहब बीएसपी थे, वो हंस पढ़ाने उसी को दोस्त बना के लेके गया। तो कहने लगे मेरे वाले कॉल कर देंगे, मैंने कॉल नहीं करेंगे, वो शर्म के मारे कहेंगे मेरे बेटे को क्यों बसा। अच्छा तो चले वो ऐसा हुआ कि उनने कॉल की तो उसने कहा मैंने मुझसे आगे पूछते हैं मेरे भाई क्या करूं यार, ये तो कह रहे हैं कुछ चाय पानी कर दो। तो मैंने कहा पूछ लिया आप चाय पानी मुझे, क्या यहाँ सड़ाओगे क्या, घर में जाना है यार लेक्चर लेने हैं सब। तो अब दूसरे स्टूडेंट से मैं पूछूं जो क्लास में वैसे ही बैठे हैं, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है? सर उनके लिए अच्छा हो रहा है क्योंकि उनका लेक्चर नहीं हो रहा। हाँ उनके लिए अच्छा हो रहा है, लेक्चर नहीं हो रहा, गुड यार। आप लोग ऑनलाइन रह के भी यही सोचते हो कि अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है लेक्चर नहीं हो रहा, मैं वहीं से भी आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा भाई, क्विजेस भी वहीं से गूगल फॉर्म पे भेज दूंगा, कुछ नहीं बचेगा आप लोग। तो बहरहाल वो कह रहे हैं अच्छा हो रहा है, तो बहरहाल उसने बात की और अली अजीज के मामा बाबा से बात की, भाई कुछ कर लो जुगाड़ कर लो वरना बेटा यहाँ दाल पीता रहेगा कमजोर हो जाएगा बेचारा, अभी तो कितना खिला खिला चेहरा है, कल को जो है देखने के काबिल नहीं रहे। तो कहा क्या करें, परेशान हो गए। अली अजीज से कहा क्या करें बेटा कुछ करें, भाई अबू मेरा जुर्म कोई नहीं है, अम्मी मेरा जुर्म कोई नहीं, क्यों करें? उन्होंने कहा ठीक है भुगतो डाल दे भाई FIR कर ले। ओ नहीं नहीं मैंने कहा FIR ना करो भाई, थोड़ा सबर करो। अच्छा बहरहाल सबर किया उन्होंने, तो मैंने भाई से कहा बात कर लो, उसने बात कर ली। उसने कहा कितने लोग हैं? मैंने कहा 4 इस तरह से। कितने लेंगे? तो मेरे भाई ने कहा 4,000। कितने मांगे होंगे अली अजीज? 4,00,000। 4,00,000 40,000 40,000 उसने कहा 40,000 से भला कोई काम बनता है 4,00,000।
अब जो है भाई और उसके पेरेंट्स के मोहतरे से जमीन निकल गया, तो 4 लाख किस बात की? अभी तो मसला है फी पे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, अब 4 लाख मांग रहे हो। मैंने अभी तक अली अजीज की फी पे नहीं की और वो जाते ही ये मसला शुरू हो गया। अब फी पे करूंगा या इसके जुर्माने पे करता रहूंगा और उसको छुड़ाने के लिए जमानत के लिए पैसे दूंगा? मैं नहीं दे सकता। ठीक है सर नहीं दो जाओ मर्जी करो, ठीक है लिख दे एफ आई आर। पीछे से मैंने कहा यार कुछ कर लो मेरे भाई, मैंने भाई से कहा, उसने कहा अच्छा करता हूँ, इनसे भी कहो ना पार्टिसिपेट करें कुछ पैसा डालें। अच्छा ले दे करते कुर्ते 1.5 लाख पे बात बन गई। कितने पे बन गई भाई बात? 1.5 लाख है ना? यस 1.5। अच्छा 1.5 लाख लिया, 1.5 लाख लेके उसने कहा कि अभी छोड़ दो ना, अली रजा के अली अजीज के मामा बाबा ने कहा, मेरे भाई ने कहा अभी छोड़ दो। उनने कहा अभी छोड़ देंगे तो केस रियर नहीं लगेगा। वो कहेंगे ये कौन सा केस है अभी छोड़ दी। उन्होंने कहा सुबह छोड़ देंगे दावत में, उसको खिलाऊंगा, यहाँ खाना पीना मेरी तरफ से, इनको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई आप अपना ही घर समझें, तो सुबह मैं आप लोगों को इनको रिलीज कर दूंगा, यहाँ से चले जाएंगे और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप लोग चले जाएं, मेरी जमानत है, मैं करूंगा, मैं बात का कॉल का पक्का हूँ। तो मैंने भी कहा ठीक है, बंदा मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोग छोड़ दें। पहले छोड़ नहीं रहे थे, बड़ा इंसिस्ट किया लेकिन बाद में छोड़ दिया। अच्छा अब हुआ ये, बजाहिर अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है? समझ नहीं आ रही बुरा हो रहा है अच्छा हो रहा है। आपकी लाइफ में भी ऐसे समझ नहीं आता, कभी गौर नहीं किया, अभी समझ आएगा आप लोगों को। अच्छा हुआ क्या, जो ही मेरे भाई वहां से निकले भाई, तो मैंने उस पुलिस वाले को बुलाया, अरे जल्दी आना भाई टाइम ज्यादा कर रहे हो, गाड़ी मेरी की चाबी क्या है? उसने मुझे मेरी गाड़ी की चाबी पकड़ाई, तो पैसे निकाल भाई। उसने जो है 2 लाख लिए थे ना, 1.5 लाख लिया था, 1.5 लाख लिया था, 1,25,000 का मुझे पकड़ाया, 25,000 अपनी जेब में डाला और मुझे रिलीज कर दिया। अली अजीज कह रहे सर ये क्या चक्कर है, क्या मसला है? मैंने कहा छोड़ भाई, और मैंने क्लास वालों को मैसेज किया हुआ था कि रात के 11 बजे मरी में आप लोगों की मेरी तरफ से इनविटेशन, और वहां पे खाना खिलाऊंगा, और वहां मरी आप लोग पहुंचे हो, इंतजार कर रहे हैं सर कहां से आएंगे, वो तो जेल में गाल खा रहे हैं, और मैं फिक्स 11 बजे वहां जाके ब्रेक मारी और आप लोगों को खाना खिलाया। उसके बाद खाना खिलाने के बाद सुबह जो है एक बंदे की फी पे की, और वो फी जो है उसी की पे की जिसके पेरेंट्स से पैसे निकलवाए, भाई के पैसे वापस कर दिए, और जो पेरेंट्स के पैसे फी नहीं दे रहे थे ना कि नहीं डिग्री क्यों कर रहे, पैसे कोई नहीं देने, निकाल के उसकी फी पे कर दी। अच्छा हुआ बुरा हुआ? अच्छा हो, अच्छा हो। आपकी लाइफ में बजाहे बुरा होता है, जब तक आप उसका पिक्चर का फ्रंट देख रहे होते हो तो आपको बुरा लगता है, लेकिन अल्लाह तआला कहां अरेंज कर रहे हैं। बेसिकली हुआ ये था इस सीन में, मैं थोड़ा ऐड कर दूं कि 3-4 दिन पहले मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑफिस के सामने इस बंदे को खड़े देखा, ये कह रहा था कि मुझे 4-5 दिन दे दे, मैं कहीं से फीस अरेंज कर दूंगा, प्लीज आप मेरा सेमेस्टर जो है कंटिन्यू करें, मुझे पढ़ने दें, मेरे फ्यूचर का मसला है, मेरे फ्यूचर का प्रॉब्लम है भाई, कुछ तो कर लें सर, हेल्प कर लें मेरी, कोऑपरेट कर लें सर, मेरे मामा बाबा नहीं मान रहे, फीस नहीं दे रहे, मेरी सैलरी मिली नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ, ये सारी बातें कर रहा था, मैं सुन रहा था वहाँ पे। तो मैंने कहा चलो भाई मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, तो मैंने ये जुगाड़ किया, ये सारा प्लान करके उसके माँ बाबा से पैसे निकलवा दिए, फी पे कर दी, और उसके बाद उसका सेमेस्टर कंटिन्यू, अगले सेमेस्टर के पैसे भी उसको पकड़ा दिए। मैंने कहा मौजा करो, अगले सेमेस्टर में पैसे नहीं लेने पड़ेंगे माँ बाबा से, और इस तरह निकाल दिए। आपकी लाइफ में ऐसे होता है कि नहीं होता? ऐसे होता है, होते हैं सर, हर सिचुएशन आती है। कभी भी आपने अपनी लाइफ में इतने ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में सोचा नहीं है। Yes, अगर आप इसको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में ब्रॉडर एंगल से सोचेंगे, ब्रॉडर व्यू आप देखेंगे ना अपनी लाइफ का, तो आपको हर चीज में अच्छा भी दिखेगा बुरा भी दिखेगा। लेकिन जो भी अच्छा होता है किसके लिए होता है, किसने कहा था? होता है अच्छे के लिए, अच्छे के लिए होता है। इसकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ना आप लोगों को लिंक करके दिखाऊंगा। यस सर। जो भी होता है अच्छे के लिए कैसे होता है, यानी जो आप लोगों को समझ आता है ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कैसे होता है। अब लास्ट में मैं आप लोगों को ना अपनी एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ, यहीं पे जहाँ मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मैंने गाड़ी चेंज करनी थी, 449 थोड़ी, ये गाड़ी चेंज वाली एग्जांपल अगले लेक्चर में देंगे। ओके आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में बिहाइंड द पिक्चर क्या है वो एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, और फिलोसफी ऑफ चेंज, चेंज एंड इट्स फिलोसफी, इसको कंटिन्यू करेंगे और कम्प्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में इस चेंज की फिलोसफी को फॉर एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे, और फिर हम इंशाल्लाह 3 जो लेवल्स हैं जिसके थ्रू आप चेंज को चेंज कर सकते हैं, हाउ टू चेंज, बाई विच टूल यू कैन चेंज, उसको हम इंशाल्लाह
नेक्स्ट लेक्चर में कुछ उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं और नई क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो आप क्विज लेंगे आप ये जिस तरह हमें पढ़ा रहे हैं जिस तरह क्विज एमसीक्यू टाइप होगा यही बातें पूछेंगे आप? देखिए मैं जब पढ़ाता हूँ जैसे ना पूछता वैसे हूँ तो मैं आप लोगों से इसी तरह के पैटर्न पे आप लोगों की माइंड में जो बना होगा ना जो भी कॉन्सेप्ट उसको पूछूंगे। लेक्चर आप लोगों का मैं इंशाल्लाह ये जून ही होगा, आज तो नहीं कल अपलोड कर दूंगा, अभी तो मैंने घर जाना है। ओके सर, कल अपलोड कर। अच्छा अब आप लोगों की अटेंडेंस है वो मैं जरा एक दफा चेक कर लूँ और फिर जो है मैं आप लोगों की अटेंडेंस फाइनल कर दूंगा आज। ओके अटेंडेंस जिन लोगों की लगी हुई उनको तो मैं टच नहीं करूँगा। अब्दुल मन्नान, अच्छा अब्दुल मन्नान अभी नहीं है और अब्दुल्ला कासिम नहीं है अभी, अलमा कय्यूम अभी नहीं है, रिपीट करेंगे किसका नाम लिया आपने? अलमा कय्यूम सर। वालेकुम सर, अवैसिनस। अरे सबर कर ले भाई। अरबा अहमद नहीं है, अवैस यूनस ओके हो गया, आयशा सईद यस सर अवैसिनस ओके ओके हो गया, आयशा सईद नहीं है, आयशा सईद, फिजा नबी नहीं है, हाफिज हसीब अहमद नहीं है, हमजा हमजा रजाक की प्रेजेंट हो गया, हाशिम अली खान नहीं है, इकरा नजीर हाशिम अली खान आ गया, इकरा नजीर इकरा तालिब की मैंने लगा दी है, इकरा नजीर ने सर हाफिज शिवम हो गया। जुनैद सरवर यस सर, जुनैद सरवर प्रेजेंट, जुनैद सरवर प्रेजेंट, और महनूर खालिद नहीं है, और मोमिन नसरुल्ला नहीं है, मोहम्मद इस्माइल तैयब, मोहम्मद साद, मोहम्मद अबैदुल्ला खान